हम देखते हैं एक अनजान सी जगह में पानी के बूंदों की गिरने की आवाज आ रही थी। वो किसी तरह का प्रिजन लग रहा था और ऐसी आवाज आ रही थी जैसे चेन्स में किसी को बांधा गया हो और वो आजाद होने के लिए उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत थक चुका था तो वो रुक जाता है। तभी हम देखते हैं एक ब्लैक फिगर को जो वहां का प्रिजनर था। दो लंबे चेन्स में उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। तभी हम वहां सेज ऑफ सिक्स पास हागोरोमो उसुसुकी को देखते हैं जो कहता है, तुम एक मिशन पर थे, तुम पूरी दुनिया को हमेशा के लिए नींद में डालना चाहते थे, कमाल है। तभी वो उस प्रिजनर की तरफ देखता है और कहता है, उठ जाओ मादारा। हम देखते हैं मादारा होश में था। फोशिनोबी वॉर खत्म होने के बाद जैसी हालत मादारा की थी उससे वो काफी अच्छी कंडीशन में था। तभी मादारा अपनी आंखें खोलता है और सवाल करता है, क्या ये सच में सेज ऑफ सिक्स पास है? सेज कहता है, मैं हागोरोमो उसुसुकी हूँ, कागुया उसुसुकी का बेटा, जिसे तुमने अनजाने में जिंदा कर दिया था ब्लैक जेसु के कंट्रोल में। मादारा फिर से अपने चेन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। हागोरोमो उसे शांत होने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि वो चेन्स को तोड़ नहीं सकता। जैसे वो है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर वो खुद के इमोशन को बदलने की कोशिश करे तो शायद वो खुद को फ्री कर सकता है। तभी मादारा पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? जो कहना है साफ साफ कहो। हागोरोमो उसे बताता है, इस दुनिया को तुम्हारे एबिलिटीज की जरूरत है और तुम चाहो तो एक मीनिंगफुल फाइट कर सकते हो दूसरों के लिए, ना कि अपने बेमतलब के वॉर्स शुरू करने के लिए। मादारा पूछता है, क्या तुम जो कह रहे हो वो करना सच में जरूरी है? फिर हागोरोमो उसे समझाता है, तुम्हारे पास मौका है, तुम एक प्रोटेक्टर बन सकते हो, पीस को भंग होने से रोक सकते हो, जैसा तुम सच में चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें पावरफुल अपोनेंट से फाइट करनी होगी। हम देखते हैं मादारा थोड़ी देर शांत हो जाता है और सोचता है। इस पॉइंट तक मादारा सेज की बातों को समझ चुका था और अब मान लेता है कि उसने सच में गलत रास्ता चुना था। तभी हम देखते हैं मादारा उन चेन से फ्री हो जाता है जो साइन था कि उसके इमोशंस और थॉट्स सही हो रहे हैं। तभी मादारा कहता है, मैंने जो भी गलती की थी उसे सुधारना मेरा लक्ष्य है, पर मैं जानना चाहूंगा अभी की हालत कैसी है। हागोरोमो बताता है, दुश्मन अपने काम को अंजाम देने के लिए अपनी कोशिश बढ़ा रहे हैं और ऐसा वो तब तक करते रहेंगे जब तक वो अपने मकसद में सफल नहीं हो जाते। तभी हम देखते हैं कि हागोरोमो मादारा को इंद्रा और अशुरा के पावर्स देता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम इन चाक्रास से अनजान नहीं हो और उम्मीद करता हूँ कि तुम इनका सही इस्तेमाल करोगे। फिर हागोरोमो अपने पावर्स देने से पहले कहता है, अब मैं तुम्हें अपने पावर्स दूंगा जिससे तुम अपनी सारी गलतियाँ सुधार सकते हो, जिसमें ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी, पर इस बार कोई भी गलती मत करना। फिर मादारा उसे आश्वासन देता है, चिंता मत करो, इस बार मैं बिना वॉर्स के सब कुछ खत्म करूंगा। तभी हागोरोमो मादारा को स्माइल करते हुए देखता है और समझ जाता है कि मादारा अपने जिम्मेदारी को समझ चुका है। तभी हागोरोमो मादारा को कुछ देता है और कहता है, ये तुम्हारी मदद करेगा। तभी मादारा अपने दोनों शोल्डर में टैप्स फील करता है। वो इंद्रा और अशुरा थे और वो अपने पावर्स मादारा उचिहा को दे रहे थे, जिसके बाद मादारा एक पोर्टल क्रिएट करता है। तभी हमें सास्के का सीन दिखाया जाता है। सास्के को अपने लेफ्ट आई में बहुत दर्द हो रहा था। सास्के कुछ सेंस करता है जिस पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था और वो बहुत हैरान था कि ऐसा नहीं हो सकता। सास्के अपना रास्ता बदल लेता है। हम देखते हैं मादारा एक हेल्थ रिकवरी पॉड में था और तभी उसे होश आने लगता है। तब रिवील होता है कि जो कुछ भी मादारा हागोरोमो के साथ बात कर रहा था वो एक सबकॉन्शियस रियल्म में कर रहा था जहां उसे सारे पावर्स मिले। मादारा अपनी आंख खोलता है और खुद को उस रिकवरी पॉट से फ्री करता है। मादारा पूरी तरह से हील हो चुका था। मादारा को लग रहा था कि ये किसी तरह का अंडरग्राउंड लैब है। मादारा सोचता है, ये जगह आखिर क्या है। मादारा इधर उधर देखता है और उसे टेबल में कुछ फाइल्स दिखते हैं जिसमें मादारा का नाम और फोटो था। वो लोग वॉर के बाद मादारा के बॉडी को परफेक्ट कंडीशन में रखने के लिए ये सब कर रहे थे। फाइल डिस्क्राइब कर रहा था कि ये रिजरेक्शन प्रोजेक्ट है और मादारा के बॉडी के बारे में सीक्रेट फाइल्स थे। कुछ फाइल्स में उसुसुकी क्लैन के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। मादारा सोचने लगता है, शायद सेज इसी खतरे के बारे में कह रहे थे, उसुसुकी और उसका क्लैन।
मादारा पढ़ता है कि ओसुसुकी क्लैन के और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसके पावर्स उनके सोच से भी बहुत ज्यादा है। मादारा समझ गया था, इसीलिए उसका रिजरेक्शन प्रोजेक्ट एक इमरजेंसी बन गया होगा। मादारा सोचता है, अगर इसमें लिखी हर बात सच है तो मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए और इसके पीछे जो भी है उसका पता लगाना चाहिए। मादारा ने जैसे खुद को फ्री किया था, उसकी वजह से एक गार्ड वहाँ आ गया था। वो मादारा को ऐसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम बाहर कैसे आए? मादारा समझ गया था अब उसे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तभी हम देखते हैं मादारा उसे एक पंच मारता है, जिससे वो गार्ड दीवार तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। मादारा महसूस करता है कि उसकी बॉडी की फिजिकल एबिलिटी पहले से काफी बढ़ चुकी है। मादारा उस गार्ड को उठाकर पूछता है, ये जगह कौन सी है और यहाँ का बॉस कौन है? मादारा उसे पकड़कर सवाल कर ही रहा था, तभी उस पे एक दूसरा गार्ड अटैक कर देता है एक बड़े से हैमर से, पर वो मादारा के बॉडी से टकराकर टूट जाता है। मादारा तुरंत अपने पंच को उसके बॉडी के आर पार कर देता है। मादारा नोटिस करता है कि हाशिरामा के सेल्स उसके बॉडी को हील करने लगे थे, वो भी काफी जल्दी। हम देखते हैं वो गार्ड तुरंत मर जाता है। फिर मादारा आगे बढ़ने लगता है, तभी वहाँ और गार्ड्स आते हैं। उसे पकड़ने के लिए मादारा उनसे सवाल करता है, तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम करते हो? वो गार्ड्स जवाब नहीं देते और मादारा की तरफ बढ़ते हैं। मादारा भी उनकी तरफ बढ़ता है और सभी को मार देता है। मादारा एक ही झटके में सभी को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो अपना सुज़ानो बनाता है और उस जगह से बाहर निकल जाता है। जैसे ही मादारा बाहर निकलता है, वो अर्थ रिलीज का यूज करके उस बड़े से होल को बंद कर देता है जो कि सुज़ानो की वजह से बना था। इसके बाद मादारा सोचता है, मैं सेज के पावर्स को फील नहीं कर पा रहा हूँ, क्या वो सब कुछ बस एक सपना था? मादारा नोटिस करता है उसका बॉडी अब भी रिकवर कर रहा है। तभी हमें एक दूसरे डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन अर्थ की तरफ जा रहा था, जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। अंडरग्राउंड फैसिलिटी से बाहर निकलने के बाद मादारा जंगल में अंदर जाता है। उसे एक घर मिलता है। मादारा को वहां किसी के होने का प्रेजेंस फील नहीं होता। मादारा घर के अंदर घुसता है और देखता है एक कंकाल। जो भी यहाँ रह रहा था वो बहुत पहले मर चुका था। मादारा को कुछ कपड़े मिलते हैं, जिसे वो पहन लेता है। कपड़े बदलते हुए मादारा अपने पास्ट एक्शंस के बारे में सोचता है। फिर वो टेडी बियर को बच्ची के स्केलेटन के पास रख देता है। फिर मादारा कहता है, देख रहे हो हाशिरामा, इतना समय बीतने के बाद भी बच्चों की जाने अब भी जा रही है। शायद कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल पहले की तरह। फिर मादारा एक फ्लैशबैक याद करता है, जिसमें वो अपने छोटे भाई इजुना से कहता है, उसे इमोशन शो नहीं करना चाहिए, उन्हें यही सिखाया गया है, इमोशन उन्हें कहीं आगे नहीं ले जा सकता। फिर मादारा कहता है, पर क्या एक बच्चा अपने इमोशन को ऐसे नजरअंदाज कर सकता है? इजुना रो ही रहा था और मादारा उसे समझा रहा था कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। मादारा कहता है, जिन्हें हम प्यार करते हैं भले ही वो मर गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ है। और मेरे छोटे भाई, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जब इताची सास्के से कहता है वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। इजुना मादारा से वादा करने कहता है और मादारा उसकी बात को पूरा करता है। मादारा उस टाइम को भी याद करता है जब वो हाशिरामा के साथ दोस्त था। तब मादारा सोचता था वो बहुत कमजोर है और वॉर्स होने से नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से बहुत सी जाने जाती है। मादारा वो वक्त भी याद करता है जब उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था और उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी और उसके अंदर बदला लेने की भावना तब से बढ़ने लगी, जिससे वो हेट्रेड और डार्कनेस में बंधता चला गया। मादारा कहता है, मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाया, हर हार से हमें सीखने को मिलता है, पर इससे ये भी गारंटी नहीं होती कि हमारा दूसरा गोल भी सक्सेस होगा। और इस गोल के साथ मैं इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि मैंने अपनी इंसानियत खो दी थी। जो भी मेरे खिलाफ हो जाते थे, मैं उन सब से नफरत करने लगता था। मैं बस उसे ही मानता था जिसे मैं अपना विल का एम्बॉडीमेंट मानता था, और उसी ने मुझे धोखा भी दिया। वो ब्लैक जेसू के बारे में सोच रहा था। मादारा सोचता है, डार्कनेस और हेट से कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है, ये मुझे हाशिरामा ने सिखाया है। अब मैं फिर से उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार
मैं अपने गोल को नहीं बदलूंगा बल्कि उसे हासिल करने का सही रास्ता चुनूंगा। ये मादारा का बिल्कुल ही अलग साइड था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। मादारा अपने पास्ट एक्शंस पर काफी रिग्रेट कर रहा था और अब उसे जो मौका मिला है उसे भी वो समझता है। सभी कपड़े पहनने के बाद मादारा देखता है वहाँ सच में कोई भी नहीं है। मादारा जानता था कि फॉरेस्ट को पैदल पार करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए वो कुछ ट्राई करता है। मादारा अपने रेनेगान को एक्टिवेट करता है और एक पोर्टल बनाता है। मादारा पोर्टल के अंदर जाता है और दूसरी तरफ बाहर निकलते ही मादारा समझ जाता है कि वो जगह नहीं है जहाँ वो जाना चाह रहा था। मादारा सोचता है, क्या ये मैं कहाँ आ गया, क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन एरर है। तभी मादारा एक मास्क मैन से मिलता है। वो मास्क मैन कहता है, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं मादारा उचिहा के सामने खड़ा हूँ। मादारा समझ जाता है कि इसने ही उसके पोर्टल को मैनिपुलेट किया था और उसे इस डायमेंशन में ले आया। मादारा उस मास मैन को थोड़ी देर शांति से देखता रहता है और फिर कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो और मैं अभी अपने रास्ते में कोई भी बाधाएं नहीं चाहता हूँ, समझे तुम। क्या तुम अपनी किस्मत आजमा रहे हो, ना समझ। फिर वो आदमी कहता है, उचिहा मादारा, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और चिंता मत करो, मैं अपना हाल उन सोल्जर्स की तरह नहीं करवाना चाहता हूँ, तुमने उन्हें बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दिया, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये कहकर वो आदमी खुद को और रिवील करता है और हम देखते हैं कि उसने एक व्हाइट मास्क पहना हुआ था। फिर वो कहता है, उचिहा मादारा, मेरा नाम शीरो है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और मैं बस एक सिंपल ऑब्जर्वर हूँ, मुझे चीजों पर नजर रखना अच्छा लगता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है और इसके लिए तुम अपना समय ले सकते हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं शीरो मादारा का गन बाय समन करता है और बताता है, मैंने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत की थी, फोर शिनोबी निंजा वॉर के 5 साल बाद मुझे ये मिला और मानना पड़ेगा ये सच में बहुत कमाल का है। इतना कह के शीरो गन बाय मादारा की तरफ थ्रो कर देता है और मादारा उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरी लोकेशन को पिन पॉइंट करके मेरे टेलीपोर्टेशन को मैनिपुलेट किया और मुझे इस डायमेंशन में ले आए, इससे पता चलता है तुम बहुत स्किल्ड हो, लगता है इस शिनोबी वर्ल्ड में अब भी टैलेंट मौजूद है। तभी शीरो कहता है, तुम मेरे टेक्निक को रीड कर पाए और उसे थोड़ा चेंज भी कर दिया, अब मादारा उचिहा से क्या ही कम उम्मीद करे, एक बार फिर तुमने ये साबित कर दिया कि मौत भी तुम्हारे स्किल और पोटेंशियल को कम नहीं कर सकती, तुम सच में लाजवाब हो, पर मैं तुम्हें ये फिर से बता दूं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इस पर मादारा कहता है, तुमने मेरे गनबाय को वापस कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन अब अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो इन सब चीजों से दूर रहो, मैं ये सब अकेले करना चाहूंगा, और वैसे भी ये गनबाय अपने मालिक के हाथों में होने के बाद ही अपने फुल पावर्स को अनलॉक करता है। तभी शीरो कहता है, इसके फुल पावर्स को दिखाने से पहले मुझे तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना होगा, तुम समझ रहे हो ना मादारा उचिहा, तुम इस रियलिटी में बहुत ज्यादा समय से मौजूद नहीं थे और जितनी देर तक तुम सो रहे थे तब तक यहाँ काफी कुछ हो चुका है और अब तुम्हारे जैसा बीइंग इस रियलिटी में यूं ही एंटर नहीं कर सकता है, क्या तुम इस बात की नजाकत को समझ रहे हो। इस पर मादारा कहता है, तुम ये सब ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझसे मिलने का बहुत पहले से प्लान बना रखा था, क्या मेरा रिजरेक्शन तुम्हारा ही प्लान था। इस पर शीरो कहता है, हाँ तुम ऐसा कह तो सकते हो, पर मैं हैरान हो जाऊंगा अगर ये गॉड का विल रहा तो, ये शिनोबी वर्ल्ड बहुत बड़े खतरे का सामना करने वाला है और इसी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फोर शिनोबी निंजा वॉर के बाद सभी लोगों ने खुद को एक शांत और आइडियल वर्ल्ड में पाया, ऐसा उन्हें लगा क्योंकि होकागे नारुतो उज़ुमाकी इन सब का जरिया बना। सभी शिनोबी नेशंस के बीच, सभी शिनोबीज के बीच यूनिटी एक अलग ही लेवल को रीच कर चुका था। इसकी वजह से सभी खतरों को जड़ से खत्म कर पाना बहुत आसान हो गया था, लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं चलता
और इस खतरे को टाला नहीं जा सकता। ओसुसुकीज यहाँ पर आ गए हैं, तो उनका मकसद अर्थ का सारा चाक्रा है, वही चाक्रा जो इस एलियन क्लैन ने यहाँ के सारे लोगों को दिया था। मादारा ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, एक एलियन क्लैन? फिर शीरो आगे बताता है, उजुमाकी, नारुतो और उचिहा सास्के भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। मोमोशिकी ओसुसुकी बहुत ज्यादा ताकतवर था, उसके जैसा ताकतवर मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन नारुतो ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मन को रोकने में कामयाब हो गया। वो सच में एक लाजवाब शिनोबी है। पर मोमोशिकी भी कम नहीं था, उसने नारुतो को पकड़ ही लिया। सभी लोगों की उम्मीद खत्म हो गई और सभी लोगों का एक सेफ फ्यूचर से भरोसा उठ गया, क्योंकि उनके लिए सेफ फ्यूचर मतलब नारुतो उजुमाकी था। होकागे के गायब होने के बाद शिनोबी वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा ये मानने लगा कि सेवंथ होकागे ने उन्हें छोड़ दिया और एक हिस्सा ये मानने लगा कि होकागे ने सभी को बचाने के लिए अपनी जान दी। शिनोबी अलायंस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा और वो भी टूट गया। जो सच में इस बात की गंभीरता को समझ रहे थे वो अलायंस में बने रहे, और जो छोड़ कर गए वो अपने मतलब के लिए काम करने लगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो ओसुसुकी क्लैन के इंटरेस्ट के लिए काम करने लगा। अलायंस के मुकाबले में वो मेंबर्स में कम थे और दोनों फैक्शन आपस में कई बार लड़ चुके हैं। पूरा शिनोबी वर्ल्ड फिर से वॉयलेंस और केओस में चला गया है। अलायंस के फोर्सेस भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं बना पा रहे थे। किसी के लिए भी उम्मीद नहीं बची है। बड़े, बूढ़े, बच्चे सभी खतरे से घिर चुके हैं। क्या तुम्हें ये सब सुनकर कुछ याद आ रहा है? फिर मादारा कहता है, हाँ, ये बिल्कुल वॉरिंग पीरियड के दौरान के जैसा है। सब कुछ ऐसा ही था। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इस पे शीरो कहता है, मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा रिटर्न सिंबॉलिक होना चाहिए। ये स्थिति ऐसी हो चुकी है कि घोस्ट ऑफ द उचिहा को वापस आना ही पड़ेगा। तभी मादारा सवाल करता है, तुमने जो कुछ भी कहा मैं उस बात की गंभीरता को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? इस पर शीरो कहता है, मुझ पर भरोसा करना या ना करना तुम्हारी मर्जी होगी। मैंने तो बस जो कुछ भी अब तक देखा है वो सब तुम्हें बता दिया, और मैंने कुछ भी झूठ नहीं बताया। ये शिनोबी वर्ल्ड अब सच में ऐसा हो चुका है। और एक और बात, सेवंथ के बारे में मुझे कुछ क्लियर नहीं पता। शायद वो अब भी जिंदा हो सकता है, शायद उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया हो, या फिर शायद वो सच में मर चुका है। शीरो ये सब बता ही रहा होता है कि वो अचानक हैरान होकर चुप हो जाता है। तभी मादारा पूछता है, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? फिर शीरो बताता है, एक पोर्टल खुला है, ये दूर है और उसका चाक्रा बहुत ज्यादा है। तभी मादारा कहता है, अगर ये कोई खतरा है तो मुझे इसे हैंडल करने दो, मैं उसे संभाल लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे एबिलिटी की जरूरत होगी। क्या तुम मेरे पोर्टल को रीडायरेक्ट करके उस लोकेशन पर भेज सकते हो? फिर शीरो कहता है, हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, ये एक गैम्बल होगा, ये बहुत रिस्की है, मुझे ज्यादा चाक्रा का यूज करना पड़ेगा और तुम भी अपना स्ट्रेंथ लूज कर सकते हो। मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। इस पर मादारा कहता है, उसकी चिंता मत करो, तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। इतना कह के मादारा एक पोर्टल बना लेता है और शीरो अपने एबिलिटी का यूज करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं मादारा एक अननोन डायमेंशन में पहुंच जाता है और वहां वो इशिकी ओसुसुकी को एनकाउंटर करता है। मादारा बहुत गुस्सा होकर उससे पूछता है, कौन हो तुम? एक ओसुसुकी? इशिकी उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम जैसा कीड़ा यहाँ पर कैसे आ गया? तभी मादारा सोचता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है, शायद हागोरोमो इसी के बारे में कह रहे थे, यकीनन इसका सामना शायद ही कोई कर पाया होगा। फिर मादारा कहता है, क्या तुम ओसुसुकी को चाक्रा हार्वेस्ट करने का कोई और तरीका नहीं आता? तुम्हारी भूख की वजह से सभी इंसान खतरे में है, जो तुम्हें रोकने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस पे इशिकी कहता है, मादारा उचिहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम इंसानों पर खतरा होने की बात करते हो, पर जो तुम करना चाहते थे उस पर तुम्हारा क्या कहना है? फिर मादारा कहता है, मैं जो करना चाहता था वो गलत नहीं था, वो मुझे अब भी गलत नहीं लगता, लेकिन जैसे मैंने किया वो तरीका गलत था, और वैसी गलती मैं फिर नहीं करूंगा, और मेरी गलती को सुधारने में तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो, तुम्हें खत्म करना जरूरी बन गया है। तभी इशिकी हंसने लगता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? ये कैसा मजाक है, मैं जानता हूँ तुम बहुत स्किल्ड और ताकतवर हो, लेकिन मुझे हराने के लिए उतना काफी नहीं है, पर तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो। इस पर मादारा कहता है,
जरूर, देखते हैं कौन जिंदा बचेगा। हम देखते हैं मादारा इशिकी पर अटैक करने के लिए आ जाता है। मादारा उस पर अपने गन बाय और किक्स का अटैक कर रहा था, लेकिन इशिकी बहुत आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है। मादारा अटैक किए जा रहा था और तभी इशिकी मादारा के गन बाय को सुकुना ही कोनों से श्रिंक कर देता है। ये देखकर मादारा बहुत हैरान रह जाता है और सोचता है, ये क्या हुआ, इसने मेरे गन बाय का साइज छोटा कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसा डोजुत्सु है? क्या ये ब्याकुगान है? मादारा के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इशिकी फिर अपने एबिलिटी का यूज करता है और ब्लैक रॉड्स समन करके मादारा को हिट करता है, जो उसके राइट आर्म को पियर्स कर देता है। मादारा बहुत इंप्रेस हो जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारी एबिलिटी तो कमाल है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। इस पर इशिकी कहता है, मजाक करना बंद करो और लड़ाई पर ध्यान दो। मादारा फाइट करते हुए इशिकी के एबिलिटी को एनालाइज कर रहा था। फिर मादारा समझ जाता है कि वो अपने राइट आई से चीजों का साइज छोटा कर सकता है और फिर उन्हें वापस समन कर सकता है। मादारा सोचता है, मुझे लगता है मैं इसके टेक्निक को समझ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मादारा अर्थ स्टाइल का यूज करके इशिकी के पीछे अपेयर होता है और उसे चोक होल्ड में पकड़ लेता है और फिर वुड स्टाइल ड्रैगन टेक्निक से इशिकी को पकड़ लेता है, जो इशिकी के चाकरा को भी ड्रेन करने लगता है। तभी मादारा देखता है ब्लैक रॉड मादारा के आर्म में फिर आ जाता है। मादारा सोचता है वो अपने हाथ को इशिकी में ब्लैक रॉड के साथ स्टैब कर देगा, जिसके लिए वो कोशिश भी करता है पर नाकामयाब रहता है, क्योंकि इशिकी खुद को ही छोटा कर लेता है और बच जाता है। फाइट करते हुए मादारा इशिकी के टेक्निक से अडैप्ट होता जा रहा था। तभी हम देखते हैं इशिकी सोचता है, ये मेरे श्रिंक हो रहे वेपन्स और समंड हो रहे वेपन्स को सेंस कर पाने लगा है, जिससे ये मेरे अटैक्स को एंटिसिपेट कर पा रहा है। मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। फिर वो मादारा से कहता है, मादारा उचीहा, मानना पड़ेगा तुम काफी स्किल्ड हो, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। तुमसे फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर मादारा कहता है, बिल्कुल, लेकिन तुम मुझे हराओगे कैसे, उसके बारे में सोचो तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर मादारा सोचता है, मैं जानता हूँ इसके पास और भी टेक्निक्स होंगे, ये बस वक्त की बात है जब वो उसे यूज करेगा, और पता नहीं वो टेक्निक्स कैसे होंगे। इसके सारे टेक्निक्स कागे लेवल से भी ज्यादा ऊपर है, इसके जैसे खतरे को जल्द खत्म करना ही जरूरी है। तभी हम देखते हैं इशिकी दाइकोकुतेन का यूज करके बड़े ब्लैक क्यूब्स को समन करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इस लड़की के पास 3 तोमोए शारिंगन होता है। वो एक निंजा से कहती है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हें इंटरोगेशन के लिए ले जाना है, पर अगर तुम यही सब कुछ कह दोगे तो मेरी सारी मेहनत बच जाएगी। तभी वहाँ सास्के आता है और कहता है, आराम से बेटा, तुम्हें इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है, भूल गए मैंने क्या सिखाया था। फिर हमें ये बताया जाता है कि ये सास्के और सारादा की बड़ी बेटी है, 18 साल की, जिसका नाम इतामी उचीहा है, जो बिल्कुल इताची जैसी दिख रही थी। इतामी कहती है, हाँ डैड, मैं बस अपना काम आसान कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। सास्के उससे कहता है, ऐसा क्या, लेकिन अब हमें जाना होगा, हमारा मिशन यहाँ पूरा हो चुका है, तुम झूठ की मेहनत कर रही हो। इतामी कहती है, नहीं, आप देख लेना, ये सब कुछ बताएगा। इस पर सास्के कहता है, हमें जो पता लगाना था वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मुझे घर जाना है, वो भी जल्दी। इतामी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या, हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, चलो अच्छी बात है, और मैं समझ रही हूँ कि आप घर क्यों जल्दी जाना चाहते हो, आप मॉम से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाते हो। मैं भी मॉम और सारादा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और सोच रही हूँ क्या वो मुझे देखकर खुश होंगे या आपको। इस मिशन में हमें थोड़ा ज्यादा समय लग गया। इस पर सास्के कहता है, समय तो लग गया, लेकिन फिर भी हमने जल्दी ही कर लिया, मुझे लगा था ये शिनोबी भी हमें कुछ भी नहीं बताएंगे, नारुतो के बारे में मिसकंसेप्शन काफी बढ़ चुका है। तभी इतामी कहती है, 7th होकागे एक हीरो है, लोगों को उनके बारे में जो गलत सोचना है सोचे, पर इससे सच नहीं बदल जाएगा, आप और मैं ये अच्छे से जानते हैं, उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया था, जो ये लोग कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि इन्हें बस खुद से मतलब है। पर डैड, आपको 7th होकागे के बारे में क्या पता चला? फिर सास्के कहता है, यही कि वो ओसुसुकी के किसी डायमेंशन में है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए हमें कोनोहा वापस जाना होगा। फिर हम देखते हैं सास्के और इतामी वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इशिकी बड़े ब्लैक क्यूब्स को समन कर चुका था, लेकिन मादारा उससे हिट होने से पहले एस्केप कर गया था, पर उसका क्लोन क्रश हो गया था। इशिकी ये देखकर समझ जाता है और कहता है, वुड क्लोन्स, हाँ,
मादारा उचीहा, मैं जानता हूँ तुम इन क्लोन्स का यूज करके मेरे एबिलिटी और पावर्स को एनालाइज कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे अब डर लग रहा है? इस पर मादारा कहता है, क्या मैं तुम्हें डरा हुआ लग रहा हूँ? ये एक शिनोबी का लड़ने का तरीका होता है। तुम एक एलियन हो तो तुम्हें ये सब वैसे भी समझ नहीं आएगा। तभी शिकी कहता है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे और मेरे ताकत में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं एक गॉड हूँ और तुम बस एक मामूली इंसान, तो तुम मुझे हराने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? खैर, अब तुम क्या करने वाले हो? तभी हम देखते हैं मादारा वुड स्टाइल डी फॉरेस्ट इमर्जेंस का यूज करता है और इशिकी को घेर लेता है। इशिकी रूट्स में पकड़ा जाता है। फिर इशिकी सोचता है, मुझे याद है ये उसने 5 कागेस के खिलाफ यूज किया था। ये काफी ताकतवर टेक्निक लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये इतना कमजोर होगा। तभी हम देखते हैं इशिकी खुद को बहुत ही आसानी से फ्री कर लेता है और ऊपर उड़ने लगता है। मादारा को शीरो की बात याद आती है जो उसने कहा था कि डिस्टेंस की वजह से उसे ज्यादा चाकरा का यूज करना पड़ेगा, जिससे मादारा का स्ट्रेंथ भी कम हो सकता है। तभी मादारा सेंस करता है कि हाशिरामा के सेल्स अब उसके स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं इशिकी बड़े बड़े रूट से घिर जाता है। मादारा ढेर सारे रूट्स क्रिएट करके वहाँ का नक्शा ही बदल देता है। इशिकी उनमें उसे ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उस पर ढेर सारे वायंस अटैक करने लगते हैं। इशिकी बहुत आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है और सुकुना ही कोनों से बहुत से रूट्स और वाइन्स को छोटा कर देता है। इशिकी सोचता है, तो ये मुझे मिड एयर में ही पकड़ना चाहता है, लेकिन अफसोस इसका कोई फायदा नहीं होगा। मादारा यही प्लानिंग भी कर रहा था और इशिकी ये सब कुछ समझ चुका था। हम देखते हैं मादारा सोचने लगता है, ये मेरे टैक्टिक्स को समझ चुका है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और तभी हम देखते हैं मादारा इशिकी के पीछे पहुंच जाता है और उसके फेस को पकड़ लेता है। मादारा ऐसे करते हुए इशिकी के डोजुत्सु को सील कर देता है। हम देखते हैं इशिकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये क्या किया तुमने ना समझ। और ये कहकर वो एक ब्लास्ट चार्ज करता है और मादारा पर अटैक कर देता है। मादारा दूर जाकर गिरता है। फिर इशिकी कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे तुच्छ इंसान, तुम बस अपनी किस्मत को आजमा रहे हो। हम देखते हैं मादारा टाइम पर सुजानो रिप्स बनाकर नीचे गिरने से बच जाता है। और फिर मादारा सोचता है, मैं उसे टच कर पाया, मुझे लगता है मेरा टेक्निक सक्सेसफुल रहा। ये सीलिंग जुसु मैं मेरे आइस के यूजर के खिलाफ यूज करने के लिए बनाया था, अगर वो मेरे खिलाफ हो जाए तब। मादारा यहाँ ओबितो की बात कर रहा था। वो सोचता है, ये सीलिंग जुसु काफी पावरफुल है, ये शारिंगन और रिनेगान को आसानी से सील कर सकता है और दुश्मन को बहुत जल्दी कमजोर बना सकता है। पर फिलहाल मेरे सामने जो है वो एक एलियन है जिसका चाकरा मेरे सोच से भी कई ज्यादा है। देखते हैं इस पर इसका कैसा असर होगा। मादारा ये भी रिवील करता है कि इशिकी पर जो उसने सील लगाया है वो टेम्पररी है, इसीलिए उसे इशिकी को जल्दी खत्म करना होगा। मादारा जैसे गिरा था उसका आर्म डिसलोकेट हो गया था और मादारा कहता है, उसका बॉडी अब भी थोड़ा टाइट लग रहा है। हम देखते हैं इशिकी समझ चुका था कि मादारा ने उसके राइट आई को सील कर दिया है। इशिकी मादारा से कहता है, तुम्हें लगता है तुम मेरे एक एबिलिटी को सील करके मुझे हरा दोगे बेवकूफ। इस पर मादारा कहता है, पता नहीं पर क्यों ना हम इसे आजमा कर देखें, मुझे तुम्हारा घमंड भी जो खत्म करना है। फिर इशिकी गुस्सा होकर कहता है, वो करने से पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरे पोर्टल को इंटरसेप्ट करके पिन पॉइंट कैसे किया? और चिंता मत करो, तुम्हारी इस गलती की कोई माफी नहीं होगी। फिर मादारा कहता है, तुम भी चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें हैरान करने के लिए और भी बहुत कुछ है, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घमंड के साथ खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हारे आंख को डिसेबल कर दिया है, अब तुम अपना डोजुत्सु यूज नहीं कर पाओगे, अब इस लड़ाई में मेरा कंट्रोल है, लेकिन मैं अब भी ये देखना चाहता हूँ कि इस डोजुत्सु के अलावा तुम्हारे पास और भी क्या क्या एबिलिटीज हैं। मुझे निराश मत करना। इस पर इशिकी कहता है, ना समझ, तुम जैसे कमजोर को हराने के लिए मुझे किसी भी डोजुत्सु की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मसल सकता हूँ और मुझे पता है ये सील परमानेंट नहीं है। तभी हम देखते हैं मादारा इशिकी के पीछे अपीयर होता है और अपने हाथ को चेनसॉ में बदल लेता है और इशिकी पर अटैक कर देता है, पर इशिकी डॉज कर लेता है। फिर मादारा शिराडो वे ऑफ मिलिट्री यूज करता है, इशिकी इससे भी बच जाता है, लेकिन मादारा रुकता नहीं है। मादारा फिर सेनपो रांतोन कोगा का यूज करता है जो एक पावरफुल कटिंग टेक्निक है जिसका यूज उसने सेज मोड नारुतो के अगेंस्ट किया था 4 शिनोबी वॉर के दौरान।
इसी के साथ मादारा डी फॉरेस्ट ब्लूम भी यूज करता है, जो दुश्मन को बेहोश करने के लिए होता है। मादारा फिर बताता है इशिकी के मूवमेंट्स अब स्लो हो चुके हैं। फिर मादारा इशिकी के हॉर्न को कट कर देता है और तभी अचानक मादारा इशिकी के पीछे अपेयर होता है और फिनिशिंग ब्लो देने के लिए रेडी था अपने चेन सॉ हैंड से। और तभी इशिकी एक अल्टीमेट टेक्निक रिवील करता है। हम देखते हैं जमीन से ढेर सारा चाकरा निकलने लगता है जिससे पूरी जगह हिलने लगती है। इशिकी जोर से हंसने लगता है और कहता है तैयार हो जाओ मादारा मरने के लिए, इस अटैक से मुझे भी डैमेज होगा लेकिन अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, इतना तो मैं झेल ही सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। मादारा अब पूरी तरह से फंस चुका था। इशिकी के अटैक की वजह से चारों तरफ तबाही हो चुकी थी। हम देखते हैं शीरो ये सब देख रहा था और कहता है ये सब तो कमाल है, दोनों ही टक्कर की फाइट कर रहे हैं। मुझे लगा था मादारा को भी इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा लेकिन वो इशिकी को बराबरी की चुनौती दे रहा है, वो सच में लाजवाब है। अगर हम देखें तो एक ओसुसुकी के पावर्स कागे लेवल से भी कई ज्यादा होती है, जिसका सामना करने की सोचना उनके लिए खुद मौत के पास जाना है। पता नहीं मादारा ऐसा कैसे कर रहा है लेकिन मैं जानता हूँ वो इस हमले से भी बच गया होगा, वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मादारा ने खुद को सुजानो एक्टिवेट करके बचा लिया था। हम देखते हैं कि मादारा के सुजानो को भी थोड़ा डैमेज हो गया था, जिससे पता चलता है कि इशिकी का अटैक सच में बहुत पावरफुल था। तभी मादारा सोचता है ये अटैक बहुत जानलेवा था, मैं हैरान हूँ कि मैं बच गया। मैं जानता हूँ इशिकी को भी डैमेज हुआ होगा, उसने इस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय करने का प्लान किया था लेकिन लगता है वो ऐसा नहीं कर पाया, शायद उसका चाकरा भी कम हो गया होगा। मैंने उसके दो जूत्सु को सील किया था, क्या इससे उसका कुछ चाकरा भी सील हो गया? जो भी हो मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, इस ब्लास्ट से मैं अपने सुजानो की वजह से बच पाया। अगर किसी के पास सुजानो जैसा डिफेंस ना हो तो वो कभी भी नहीं बच पाएंगे। फिर वो इशिकी से कहता है ओसुसुकी अब मैं तुम्हारा यमराज हूँ। इस पर इशिकी कहता है हाँ बिल्कुल बेवकूफ, तुम दिन में सपने देख लो। मादारा गुस्सा हो जाता है और फायर स्टाइल ग्रेट फायर एनाइलेशन से अटैक करता है। इशिकी उसके फायर को अपने कार्मा से एब्जॉर्ब कर लेता है। मादारा ये देखकर सोचता है तो ये निंजुत्सु एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी इशिकी ढेर सारे ब्लैक रॉड समन करता है और मादारा की तरफ लॉन्च कर देता है। मादारा जंप करता है और अपने सुजानो हैंड से सभी को डिफ्लेक्ट कर देता है। मादारा सोचता है ये रॉड्स बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे संभल कर रहना होगा। तभी इशिकी स्माइल करने लगता है। मादारा सोचता है ये हंस क्यों रहा है। तभी इशिकी कहता है संभल कर उचिहा। मादारा समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। मादारा ऊपर देखता है कि इशिकी ने फिर से ब्लैक क्यूब को समन किया था। मादारा तुरंत वहां से जंप करके बच जाता है। फिर मादारा सोचता है मैं बाल बाल बच गया। तभी इशिकी उसके सामने आ जाता है ये कहते हुए कि तुम्हें लगा तुम बच गए, बिल्कुल भी नहीं, और उसे एक जोरदार किक देता है जिससे मादारा काफी दूर जाकर गिरता है। पर खुद को वो संभाल लेता है और अपना सुजानो बना लेता है। ये देखकर इशिकी कहता है तो तुम्हें लगता है तुम इस बेकार से सुजानो से मुझे हरा सकते हो, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, मैं इसे ऐसे ही तोड़ सकता हूँ। इस पर मादारा कहता है सुजानो मेरा अल्टीमेट शील्ड है, इसे कम समझने की भूल मत करो। फिर इशिकी कहता है ऐसा क्या, देखते हैं तुम्हारा अल्टीमेट शील्ड तुम्हें मुझसे कैसे बचाता है। और इतना कह के इशिकी अटैक करने बढ़ता है। तभी हम देखते हैं इशिकी मादारा के सुजानो को तोड़ते हुए मादारा को एक जोरदार किक देता है और मादारा पानी के अंदर गिर जाता है। हम देखते हैं मादारा धीरे धीरे होश खोने लगा था लेकिन तभी वो खुद को संभालता है और पानी से बाहर आ जाता है अपने वेपन के साथ। इशिकी ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है और तुरंत उस पर फिर अटैक करने जाता है। मादारा के पास पहुंचकर इशिकी उस पर अपना एक अटैक कर देता है जिससे वो जगह और डिस्ट्रॉय हो जाती है। मादारा भी दूर जाकर गिरता है। इशिकी उसे देखता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या हुआ उचिहा, क्या तुम में बस इतनी ही ताकत है, मैंने तुम्हारे अल्टीमेट शील्ड को भी तोड़ दिया, अब तुम क्या करोगे, मुझे तो तुम पर बहुत हंसी आ रही है। मैंने कहा था ना एक इंसान गॉड का मुकाबला नहीं कर सकता, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर हम देखते हैं कि मादारा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी मादारा सोचने लगता है ये क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर बस अंधेरा है, क्या मैं सच में हार गया, मैंने बहुत सी लड़ाई लड़ी थी, मैं सब में हार गया, मेरे लाइफ का कुछ भी वैल्यू नहीं रहा, मैं एक अच्छा भाई ना बन सका,
ना एक अच्छा दोस्त और ना ही एक अच्छा लीडर। शिनोबी के नाम पर मैं बस एक धब्बा हूँ। मैंने सभी को धोखा दिया, झूठ कहा और एक वॉर भी शुरू कर दी सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। पर आखिर में मैंने खुद को ही धोखा दिया और मैं उसमें भी फेल हो गया। अगर मेरे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है तो मुझे ये लाइफ फिर से क्यों मिला, ताकि मैं फिर से फेल हो जाऊं। तभी मादारा को हाशिरामा दिखता है जो उससे कहता है, मादारा उठो, कब तक ऐसे ही पड़े रहने का इरादा है? तुम्हें अभी बहुत जरूरी काम करना है, अपने मकसद को पूरा करने में पूरा जोर लगा दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ है, चलो अब उठो। फिर मादारा कहता है, नहीं, किसी भी शिनोबी को अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए 3 चांसेस नहीं मिले हैं। इस बार मैं अपना मकसद पूरा करके रहूंगा। और तभी मादारा उठ जाता है। मादारा सोचता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। उसे देखकर इशिकी कहता है, बहुत बढ़िया उचीहा, तो तुम अब भी फाइट कर सकते हो। तुम्हारा ये जज्बा देखकर मुझे सच में बहुत हंसी आ रही है। तुम सच में बेवकूफ हो जो तुम्हें अब भी ये लग रहा है कि तुम मुझे हरा सकते हो। तभी मादारा सेज मोड में एंटर कर जाता है। ये देखकर इशिकी कहता है, अच्छा तो तुम अब नेचर एनर्जी का यूज करोगे। तभी हम देखते हैं मादारा सेज मोड में आने के बाद रिनेगान एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर इशिकी थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, ओ रिनेगान, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास भी रिनेगान है। चलो अच्छा है, अब इस फाइट में और मजा आएगा, मैं भी अब होल्ड बैक नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं मादारा 3 मीटियोर समन करता है। इशिकी उन्हें देखता है और फिर उन्हें छोटा कर देता है। मादारा इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इशिकी पर अटैक करने जाता है, पर इशिकी उसे रोक लेता है। उनके इस क्लैश का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था जिससे पूरा ग्राउंड डिस्ट्रॉय होने लगता है। मादारा इशिकी के एक हाथ को रूट से पकड़ लेता है। तभी मादारा कहता है, क्या हुआ उसुसुकी, क्या तुम ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म्स को श्रिंक नहीं कर सकते? तब तो तुम्हें हराना बहुत आसान है। तभी मादारा ऑलमाइटी पुश का यूज करता है जिससे इशिकी दूर जाने लगता है और मादारा भी खुद पीछे होने लगता है। मादारा खुद को संभाल लेता है और तुरंत इशिकी की तरफ बढ़ता है। इशिकी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके सामने स्पेयर्स अपेयर करवाने लगता है, लेकिन मादारा रुकता नहीं है, वो उन्हें डॉच करते हुए आगे बढ़ता है। इशिकी भी खुद को खड़ा करता है और गुस्सा करते हुए कहता है, उचीहा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अब तुम नहीं बचोगे। इतना कह के इशिकी ढेर सारे ब्लैक रॉड समन करने लगता है। मादारा ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है, मैं ये सारे एक साथ डॉच नहीं कर सकता। तभी इशिकी मादारा से कहता है, तो उचीहा, देखते हैं तुम इसका सामना कैसे करते हो। इतना कह के इशिकी सभी रॉड्स को मादारा की तरफ लॉन्च कर देता है। हम देखते हैं मादारा ग्रेविटेशनल पुश का यूज करके सभी को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब रहता है। अटैक के खत्म होने के बाद मादारा कहता है, क्या हुआ उसुसुकी, तुम्हें लगा था मैं इस अटैक से बच नहीं पाऊंगा? मैंने कहा था ना, मेरे पास तुम्हें हैरान करने के लिए बहुत कुछ है, पर लगता है तुम अपने टेक्निक्स और पावर्स से रन आउट हो रहे हो। हम देखते हैं इशिकी मादारा की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो चुका था। हम देखते हैं मादारा डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस का यूज करके पूरे एरिया को फिर से घेर देता है। मादारा इशिकी पर अटैक करने के बारे में प्लान कर रहा था, तभी वहां एक बड़ा व्हाइट बुल अपीयर होता है जो पूरे चक्रा से बना हुआ था, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर मादारा सोचता है, क्या ये कोई समनिंग बीस्ट है, मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा। और फिर मादारा अपने सूजानों से फायर स्टाइल का यूज करता है, फायर स्टाइल ग्रेट फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन। वहाँ पहले से काफी वाइन्स और रूट्स भरे हुए थे जिससे आग जोर से बढ़ने लगती है। तभी मादारा उस फायर के बीच कुछ मूवमेंट सेंस करता है। हम देखते हैं इशिकी का व्हाइट बुल इस अटैक को सरवाइव कर चुका था और मादारा की तरफ बढ़ रहा था। तभी हम देखते हैं वो बुल मादारा के सूजानों को हिट करता है जिससे मादारा ऊपर चला जाता है। मादारा देखता है कि वो बुल फ्लाई नहीं कर सकता और ना ही कोई और अटैक कर सकता है, इसीलिए मादारा उसे खत्म करने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी मादारा ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो बुल हाई जंप कर सकता है। मादारा अपने सूजानो स्वॉर्ड को प्रिपेयर करता है और अटैक करने बढ़ता है। मादारा अपने सूजानो के पावर्स को बढ़ाने लगता है जो उसके स्वॉर्ड में जाने लगता है और वो बुल पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं दोनों क्लैश करने लगते हैं। वहीं मादारा ये समझ चुका था कि उसका सूजानो ये ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा, इसीलिए मादारा डिसाइड करता है कि वो अपने नए पावर्स का यूज करेगा जो उसे हागोरोमो ओसुसुकी से मिला था। तभी मादारा अपने दोनों हाथों को जोड़ता है। हम देखते हैं उसके हैंड्स में मून और सन का साइन बन गया था। तभी उसके सामने हागोरोमो, इंद्रा और अशुरा भी अपीयर होते हैं। हागोरोमो मादारा से कहता है,
मादारा, तुम्हें इस पावर का यूज करना पड़ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सोच से भी कई ज्यादा ताकतवर है। फिर मादारा कहता है, सही कहा, मैं इसे जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। इस पर हागोरोमो पूछता है, तुम्हें पता है ना, ऐसे पावर्स का यूज करने से अर्थ पर भी असर पड़ेगा। तभी इंदिरा कहता है, अब तुमने जो फैसला कर लिया है और जो रास्ता चुन लिया है, तुम उससे पीछे नहीं हट सकते। पीस हासिल करने के लिए तुम्हें अपने अंदर के डार्कनेस को रेजिस्ट करना पड़ेगा। फिर अशुरा कहता है, अर्थ को कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हागोरोमो कहने लगता है, मादारा, तुम्हारे पास्ट एक्शंस के बारे में जानते हुए भी मैंने ये फैसला तुम्हारे हित में लिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो डार्क पाथ तुम्हारे लिए बहुत आसान था। फिर मादारा कहता है, सही कहा ओल्ड मैन, मैं अब ये समझ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं मादारा का सुजानो ट्रांसफॉर्म करने लगता है। मादारा के हाथों से ढेर सारा चाकरा निकलने लगता है जो उसके सुजानो में ट्रांसफर होने लगा था। मादारा इशिकी के चाकरा से क्रिएटेड बुल के चाकरा को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर मादारा अपने सुजानो में सारे चाकरा को एब्जॉर्ब करते हुए चैनल करने लगता है। मादारा सोचता है, ये चाकरा बहुत ज्यादा है, मैंने इससे पहले इतना चाकरा एक साथ हैंडल नहीं किया है, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, मुझे ये ध्यान से करना होगा, मुझे इस चाकरा को अच्छे से एब्जॉर्ब करना होगा ताकि मेरा सुजानो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो मेरा हारना पक्का है। वहीं इशिकी मादारा को ऐसा करता हुआ देखकर कहता है, मानना पड़ेगा मादारा, तुम बहुत ढीठ हो, तुम हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे हो, पर अब इसे सही करने का समय आ गया है। और इतना कह के इशिकी ट्रांसफॉर्म करने लगता है। हम देखते हैं मादारा भी इशिकी के अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इशिकी भी अपने नए फॉर्म में आ चुका था। फिर इशिकी कहता है, मैंने सोचा नहीं था ऐसे कमजोर इंसान से लड़ने के लिए मुझे इस फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें इसकी सजा मिले, मैं अब और वक्त ऐसे कीड़े पर बर्बाद नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं अटैक की वजह से वहां चारों तरफ धुआं फैल चुका था जो क्लियर होने लगा था। इशिकी को सेंस करता है और कहता है, मैं अब बहुत बोर हो रहा हूँ, लेकिन ये तो कुछ दिलचस्प लग रहा है, बहुत बढ़िया मादारा, तुमसे यही उम्मीद थी। और तभी हम देखते हैं मादारा ने अपने इंदिरा सुजानो को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, उसका परफेक्ट सुजानो हागोरोमो के पावर के साथ मिक्स हो चुका था। हम देखते हैं मादारा के सुजानो में 6 हैंड्स आ चुके थे। उसके अंदर मादारा सोच रहा था, मैंने एक साथ इतने चाकरा को कभी फील नहीं किया, मेरे बॉडी को इसका कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इसकी चिंता मुझे नहीं करनी है, मैंने 10 टेल्स के चाकरा को भी हैंडल किया है, पर अगर इसे हराने के लिए मुझे इतना चाकरा का यूज करना पड़ रहा है, और अगर ये भी काफी नहीं रहा तो पता नहीं क्या करूंगा मैं। जाहिर सी बात ये भी है कि इससे ज्यादा ताकतवर ओसुसुकी भी होंगे, अगर मैं इसे नहीं हरा सकता तो मैं अपना मकसद पूरा कैसे करूंगा, मेरे मकसद को पूरा करने में इसे हराना मेरा पहला कदम होगा। इन पावर्स से मेरे सुजानो का डिफेंसिव कैपेबिलिटीज काफी बढ़ चुका है, इसीलिए मैं अब ऑफेंस पर ध्यान दूंगा, अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ रेखो कॉरपोरेशन ऑफिस में हमें एक फीमेल को दिखाया जाता है जो उस रिसर्च फैसिलिटी की हेड थी। वो मादारा के फुटेज को देख रही थी तब का, जब उसने वहां के सभी गार्ड्स को मार दिया था। उस फीमेल का नाम काया था। वो अपने एक सबॉर्डिनेट से कहती है, मादारा ने वहां आयरन डोर को काफी आसानी से तोड़ दिया, वो डोर ऐसे अटैक्स को झेलने के लिए काफी था, हमारे गार्ड्स नंबर में भी ज्यादा थे, फिर भी वो हार गए, क्या तुम मुझे इन सब का मतलब समझा सकते हो, उसे होश कैसे आया, तुम जानते भी हो हमें इसके लिए कितना कुछ झेलना पड़ेगा। वो सबॉर्डिनेट जिसका नाम कोदामा था वो कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं जब वहाँ से गया था तब मैं ये चेक करके गया था कि सारे रेटिंग्स नॉर्मल थे, मुझे नहीं पता उसे होश कैसे आया जबकि सारे सिस्टम नॉर्मल थे। फिर वो एक क्लिप दिखाती है जिसमें मादारा सभी गार्ड्स को बहुत ही सुंदर तरीके से मारते हुए आगे बढ़ रहा था। काया कहती है, क्या तुम इसे देख रहे हो, उस पॉट से निकलने के तुरंत बाद वो ऐसे मूव कर रहा है जैसे वो कई सालों से नहीं बल्कि कुछ घंटों के लिए ही सोया था, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें पता है वो फाइट बस 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया, एक भी गार्ड उसे टच नहीं कर पाया। और तो और मादारा के सेंसेस और रिफ्लेक्सेस बिल्कुल ऑप्टिमल लग रहे थे जो बिल्कुल नामुमकिन है। काया ये सब कुछ बताते हुए जरा भी एक्सप्रेशन और इमोशन शो नहीं कर रही थी। फिर वो पूछती है, अदर सैंपल्स का क्या हुआ, क्या वो सब ठीक है। कोदामा बताता है, सिर्फ उन गार्ड्स पर ही अटैक हुआ था, बाकी सब ठीक है, अदर सैंपल्स और रिसर्च फाइल्स सारे सही सलामत है। फिर काया कहती है, मादारा ने जाने से पहले कुछ फाइल्स चेक किए थे,
उसके पास इस ऑर्गेनाइजेशन और इस रिसर्च फैसिलिटी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी, लेकिन हमें संभल कर रहना होगा। खैर, तुम जाकर अपना काम करो, हम दूसरे सैंपल्स को ऐसे फेलियर होने नहीं दे सकते हैं, वरना बॉस हमारी जान ले लेंगे। तभी कोदामा कहता है, तुम्हें मादारा के शांत फेस को देखकर क्या लग रहा है? मैं उसके हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ये खतरा बहुत बड़ा है। हमारा काम था यहाँ पर इतिहास के इन शिनोबीज के पावर्स और एबिलिटीज को रिसर्च करना, उन्हें एनालाइज करना और उनका रेप्लिकेट करना, उन्हें रिवाइव करना नहीं। उनका ऐसे रिवाइव हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल है, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। बॉस को समझाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? उन्हें ये सब कुछ पता चलने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। मैं बस एक साइंटिस्ट हूँ, मैं बस रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आया था, मेरा इस लड़ाई में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, मुझे इन सब से दूर रखो। फिर काया कहती है, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें एग्रीमेंट याद नहीं? हमने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है, तुमने सब कुछ जानते हुए भी इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए साइन किया था। मैंने तुम्हें ना ज्वाइन करने के लिए और ना ही ये काम करने के लिए फोर्स किया था, इसीलिए इस बेकार के कन्वर्सेशन में मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना है, और जाकर अपना काम करो। ये रिसर्च उस मादारा से भी ज्यादा जरूरी है, तुम्हें बस रिसर्च पर ध्यान देना है, मादारा को मैं संभाल लूंगी। इस पर कोदामा कहता है, मैं अपना काम जानता हूँ, पर तुम्हें लगता है कि तुम मादारा को हरा सकती हो? तो बेशक तुम कोशिश कर सकती हो, इसके लिए मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है अपने रिसर्च पर काम करने के लिए। दूसरी तरफ कोनोहा विलेज के थोड़े नजदीक शिनोबी अलायंस का एक फर्स्ट कैंप बेस लगा हुआ था। वहाँ हम देखते हैं साकुरा को, जो कुछ फाइल्स को ठीक कर रही होती है। तभी उसे एक फाइल मिलता है जिसमें लिखा हुआ था उचिहा सास्के, जो उसके प्रोस्थेटिक लेफ्ट आर्म के बारे में सर्टिफिकेशन था। फिर साकुरा फोर्थ वॉर के एंड को याद करने लगती है, जब नारुतो और सास्के ने फाइट को खत्म करने के लिए अपने एक एक आर्म को सैक्रिफाइस कर दिया था। साकुरा सोचती है, लेडी सुनाड़े ने हाशिरामा सेल्स की मदद से इन प्रोस्थेटिक आर्म्स को बनाया था। नारुतो को होकागे ड्यूटी संभालना था और कोनोहा को भी प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए उसने आर्म को एक्सेप्ट कर लिया, पर सास्के ने बहाने से इसे मना कर दिया। मैं जानती हूँ वो अपने पास्ट एक्शंस की वजह से काफी रिग्रेट करता है, जिसके लिए वो अटोन करना चाहता था, पर अब सिचुएशन काफी बदल चुका है, एक हाथ से वो कब तक लड़ता रहेगा? नारुतो की जगह अब उसे ही लेनी होगी, जब तक हम उसे वापस नहीं ले आते। तो इस बार उसके आने के बाद मैं उसे कन्विंस कर लूंगी और ये आर्म ट्रांसप्लांट कर दूंगी। साकुरा फिर सोचती है, जब नारुतो हमारे साथ था तब सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके जाने के बाद केओस फैल चुका है। सास्के उस केओस को शांत करवाने के लिए सब कुछ कर रहा है, इसीलिए मैं भी अपने एफर्ट्स में पीछे नहीं हट सकती हूँ। तभी साकुरा को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखती है। तभी वहाँ सास्के गेट खोलकर अंदर आता है, साकुरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। हम देखते हैं मादारा इशिकी पर अटैक करता है, इशिकी डॉज कर लेता है और कहता है, उचिहा तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, और तुम्हारे ये अटैक्स ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बहुत जल्द तुम्हें ये समझ आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये सीलिंग टेक्निक भी अब खत्म होता जा रहा है। तब तक के लिए तुम्हें जितना उछलना है उछल लो, फिर मैं तुम्हें एक गॉड के ट्रू पावर्स को दिखाऊंगा। हम देखते हैं इशिकी के डोजुत्सु का पैटर्न भी वापस आने लगता है। इशिकी मादारा से कहता है, मैं काफी खुश हूँ कि तुम अब तक जिंदा हो, तुमने मेरे एथरियल बुल को भी रोक दिया, जो हर कोई नहीं कर सकता। तभी मादारा उससे पूछता है, तुमने कहा था तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम यहाँ कब से हो? फिर इशिकी बताता है, मैं यहाँ तब से हूँ जब से तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं इस शिनोबी वर्ल्ड को फॉर्म होते हुए देख चुका हूँ, मैंने सभी वॉर्स को देखा है, लेकिन मुझे उन सब में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें देखते हुए मेरा टाइम अच्छे से पार हुआ था। तभी मादारा कहता है, अब तुम्हारा टाइम यहीं खत्म होने वाला है, और इतना कह के मादारा अपने सुजानों के पावर्स बढ़ाते हुए अटैक कर देता है, पर इशिकी का बुल उसके आर्म को पकड़ लेता है। फिर इशिकी कहता है, मुझे मारना तुम जैसे कमजोर इंसान के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। इशिकी का बुल मादारा के सुजानों आर्म को काफी जोर से पकड़े हुए था, लेकिन मादारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मादारा ये समझ चुका था कि भले ही इस उसुसुकी के पास ज्यादा चाकरा है, लेकिन इसके अर्सेनल में उतने टेक्निक्स या एबिलिटीज नहीं है जिसका वो फायदा उठा सकता है। मादारा पूरी ताकत लगाते हुए पुल को पिन डाउन कर देता है। इस दौरान इशिकी का डोजुत्सु वापस से अनलॉक हो जाता है। इशिकी कहता है, तुम्हारे जुत्सु का असर खत्म हो चुका है, मेरा डोजुत्सु अब वापस आ चुका है, अब तुम क्या करोगे? अगर तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे तो मैं तुम पर शायद थोड़ा दया दिखा सकता हूँ।
इस शिनोबी वर्ल्ड में रहते हुए मैंने दया दिखाना सीख लिया है। हम देखते हैं इशी की मादारा के सुजानो को श्रृंग करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब रहता है। फिर इशी की सोचने लगता है, ये क्या, मैं इसे श्रृंग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या इसके सुजानो में इतना ज्यादा चाकरा है? इसका सुजानो बाकियों से काफी अलग भी लग रहा है, हागोरोमो से भी अलग। फिर मादारा इशिकी को एक डेथ स्टेयर देता है और कहता है, क्या हुआ ओसुत्सुकी, क्या तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे? फिर वो इशिकी के बुल को पकड़ लेता है और ऊपर उठाकर जमीन में जोर से पटक देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद मादारा सोचता है, ये सुजानो पावर और स्ट्रेंथ के मुकाबले में हाशिरामा के थाउजेंड हैंड्स बुद्धा के जैसा है। मुझे याद है जब मैं उसके बुद्धा को फेस कर रहा था, तब मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसका सामना किया था, लेकिन मैं फिर भी हार गया था। हाशिरामा, तुम सच में कमाल थे। ना सिर्फ तुम्हारा विल स्ट्रांग था, तुम्हारे पावर्स भी ग्रेट थे, जो अब मुझे अपने अंदर महसूस हो रहे हैं। दूसरी तरफ कोनोहा में कैंप के तरफ हम देखते हैं इतामी को, जो एक ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी वहाँ कुछ शिनोबी आते हैं। एक निंजा इतामी से कहता है, इतामी, भले ही तुम सास्के की बेटी हो, लेकिन हम ऐसे चार्जेस को अनदेखा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम कैसे काम कर रही हो? हमें भी ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। इस पर इतामी कहती है, तुम लोग अलायंस के लिए काफी सालों से काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा यूजफुलनेस जरा भी नहीं बढ़ा है। क्या तुम लोग सच में अच्छा काम करना चाहते हो? सिर्फ तुम लोगों की वजह से मुझे अपनी ड्यूटीज से ज्यादा परफॉर्म करना पड़ता है। मेरे ऊपर तुम लोगों से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। मुझे ये ऑर्डर्स की धमकी मत दो, मुझे इस ऑफिस से बाहर काम करना पड़ता है। और तुम लोग इस ऑफिस में रहकर सोचते हो कि बाहर का सारा काम आसान होता है? तुम लोग यहाँ रहकर बस मजे कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, वहीं मुझे खुद सारे काम करने पड़ते हैं। और यही डिफरेंस है जो तुम लोग कभी नहीं समझ सकते कि जिम्मेदारी उठाना किसे कहते हैं। फिर वो निंजा जिसके फेस पर स्कार था, वो इतामी से कहने लगता है, ऐसा तुम्हें लगता है कि बस तुम ही काम कर रही हो और सिर्फ तुम्हें ही फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारी वजह से जितने भी प्रिजनर्स पकड़े गए हैं वो कोई भी जवाब देने लायक नहीं रहे हैं। अब हमें उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। हम एक वॉर में शामिल हो चुके हैं और इस अलायंस का सक्सेस सिर्फ तुम पर ही निर्भर नहीं करता है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो ऐसा मत जताओ कि सिर्फ तुम्हें ही फर्क पड़ता है। और अगर हमें सिर्फ खुद से मतलब होता तो इस अलायंस से जुड़ने से अच्छा हम कहीं और चले जाते। तुम्हें ये समझना होगा कि हमें एक साथ काम करना है। आज तक किसी ने भी वॉर अकेले नहीं जीता है। सेवंथ होकागे नारुतो, जिसे तुम इतना रिस्पेक्ट करती हो, उन्हें भी सभी नेशंस की जरूरत पड़ी थी। वो फोर्थ निंजा वॉर को अकेले खत्म नहीं कर सकते थे, ये वो भी मानते थे। फिर दूसरा निंजा कहने लगता है, ये सब कुछ डिसिप्लिन से शुरू होता है और तुम्हें सभी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। पहले तो तुम्हें एक शिनोबी का मतलब समझना होगा। तुम अपने कपड़े देखो, अपने बालों को देखो, तुम एक भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करती हो, जिसके लिए तुम्हें काफी बड़ी सजा मिल सकती है। बार बार तुम सास्के और साकुरा की बेटी होने की वजह से नहीं बच सकती हो। ये सुनकर इतामी हंसने लगती है और कहती है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मैं अकेली भी पड़ जाऊँ तो भी जिंदा बच सकती हूँ। तुम लोग अपने बारे में सोचो, तुम लोग कमजोर हो जो हमेशा कहीं ना कहीं फंस जाते हो और स्ट्रगल करते हो, मदद ढूंढने लगते हो। और जिस डिसिप्लिन और टीम वर्क की बात तुम लोग कर रहे हो, क्या तुम लोग मुझे उसका प्रूफ दे सकते हो? क्या तुम लोग दिखा सकते हो तुम लोगों का टीम वर्क कितना अच्छा है? मैं तुम लोगों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। इससे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मेरे कपड़े और बालों से एक शिनोबी होने का कोई लेना देना नहीं है। इतना कह के इतामी अपने शारिंगन को एक्टिवेट कर लेती है और वो निंजास ये देखकर डर जाते हैं। तभी इतामी हंसने लगती है और कहती है, चिंता मत करो, ये बस एक छोटा सा मजाक था। मैं तुम लोगों को अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग टीम वर्क का बस दिखावा करते हो। हम देखते हैं वो निंजास वहाँ से जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि इस बार तो तुमने अच्छा बहाना दे दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। उनके जाने के बाद वहाँ लेडी सुनाडे आती है। इतामी उसे देखकर बहुत चौंक जाती है। सुनाडे उससे कहती है, तो इतामी कैसी हो तुम और तुम्हारा मिशन कैसा रहा? इतामी बताती है, मिशन तो हमेशा की तरह अच्छा ही रहा। तभी सुनाडे थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, अच्छा रहा, तुम्हारे हर मिशन की अब यही कहानी हो गई है। मुझे लगता है तुम्हें अभी के वर्ल्ड के सिचुएशन के बारे में जरा भी परवाह नहीं है और कैसे ये हमारे विलेज को अफेक्ट कर रहा है। तुम किसी की भी बात नहीं सुनती हो और ना ही किसी बड़े की बात को समझती हो। इस पर इतामी कहती है, मैं बस अपने निंजा वे के लिए स्टैंड लेती हूँ, जो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आता। मुझे मेरे एबिलिटीज पर भरोसा है, मैं जानती हूँ मैं सही हूँ और सही कर रही हूँ। लेडी सुनाडे, उन्हें मुझ पर भरोसा करने में दिक्कत होती है, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं।
मुझे लगता है मैं अकेले ही अच्छे से काम कर सकती हूँ। उनके साथ काम करने से मुझे मिशन के साथ साथ उन्हें भी संभालना पड़ता है। ये सुनकर सुनाड़े थोड़ी देर शांत रहती है और फिर कहती है, मैंने अपने लाइफ में काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है और काफी कुछ झेला है। मैंने अपने सामने बहुत से जनरेशंस को बड़ा होते हुए देखा है। तुम्हें ये समझना होगा कि लोग तुम्हारे डेस्टिनी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस फर्क नहीं देता, लेकिन कुछ लोग आपकी जिंदगी बदल जाते हैं। इतामी, तुम ऐसे रास्ते को चुन रही हो जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे थॉट्स और एक्शंस किसी के साथ भी अलाइन नहीं करते हैं, जो तुम्हें काफी मुश्किल में डाल सकते हैं। हम इस अलायंस में नए जनरेशन के निंजास को इंक्लूड कर रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। तुम्हारा फादर, वो भी कभी ऐसे गलत रास्ते में जा चुका था, पर सेवन थोकागे नारुतो, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी वजह से वो सही रास्ते पर आ गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, जब डार्कनेस एक इंसान को कंज्यूम कर लेता है, तब वो अक्सर एक्सट्रीम मेजर्स लेने लगते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और होकागे होने की वजह से मैं ये होने नहीं दे सकती हूँ। दूसरी तरफ मादारा और इशिकी के फाइट में मादारा इशिकी को देख रहा था और कहता है, क्या हुआ उसुसुकी, क्या तुम अब भी कुछ मिराकल होने का इंतजार कर रहे हो? मुझे तो लगता है अब कोई भी चमत्कार तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। इशिकी बहुत हैरान होकर डिस्ट्रॉयड हुए अपने इथर्नल बुल के बॉडी को देख रहा था। इशिकी को भरोसा नहीं हो रहा था कि मादारा जैसा इंसान ऐसा कुछ कर सकता है। इशिकी मादारा से पूछता है, मादारा उचीहा, अब मैं मानता हूँ कि तुम मेरे लिए खतरा बन रहे हो, और मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे पास ये ताकत आई कहाँ से, और तुमने खुद को जिंदा कैसे रखा था? मुझे तो लगा था तुम मर चुके हो। इस पर मादारा कहता है, मैं कैसे जिंदा हूँ ये जानने से अच्छा तुम कैसे जिंदा रहोगे उसके बारे में सोचो सुसुकी, क्योंकि मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर इशिकी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे कम समझना बंद करो कमजोर इंसान, बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जमीन में ढेर सारा चाकरा जाने लगता है जो इशिकी भेज रहा था। मादारा ये देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, लगता है ये इस डायमेंशन के साथ एक होना चाह रहा है। इसका चाकरा अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? हम देखते हैं इशिकी जमीन के साथ जुड़ चुका था। फिर इशिकी मादारा से कहता है, मादारा उचीहा, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस एबिलिटी का यूज करना पड़ेगा, वो भी तुम जैसे बेवकूफ और कमजोर इंसान के लिए। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो तुम समझ जाओ तुम सभी ओसुसुकी क्लैन के लिए खतरा हो। इसके लिए मुझे तुम्हें आज और यहीं पर खत्म करना होगा। मादारा ये सुनकर चौंक जाता है, क्या कहा तुमने? सभी ओसुसुकी क्लैन, आखिर तुम लोगों का मकसद क्या है? अगर तुम में से एक भी जिंदा रहा तो हमारे अर्थ के लिए खतरा हमेशा बना रहेगा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इस पर इशिकी कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम अभी मेरा सामना कर पा रहे हो, लेकिन तुम ओसुसुकी क्लैन तक कभी नहीं पहुँच पाओगे, और अगर मैं मारा गया तो फिर इस अर्थ के लिए खतरा और बढ़ जाएगा, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? तभी हम देखते हैं इशिकी एक अटैक रिलीज करता है जिसमें जमीन से एक बड़ा सा ब्लैक स्पीयर निकलता है और डायमेंशन के एटमॉस्फेयर से चाकरा लेने लगता है उसके चारों तरफ से। मादारा ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये स्पेयर इतना बड़ा होने के बाद भी नेचुरल एनर्जी से कंप्रेस्ड है, क्या मैं इसे रोक पाऊंगा? जो भी हो, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी। मादारा फिर ये रियलाइज करता है कि इशिकी एक नया डायमेंशन ही क्रिएट कर रहा है जो ये डेथ बॉल में ही है। मादारा बहुत सीरियस हो जाता है और सोचता है, यहाँ मेरा रेनेगान काम नहीं कर रहा है। ऐसा शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि इशिकी के इस स्पेयर और एक्चुअल डायमेंशन के बीच में एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, टाइम और स्पेस पर भी काफी असर पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो मैं अपने मांगे की ओर शारिंगन से इजनागी यूज कर सकता हूँ। इजनागी एक नॉर्मल गेंजुत्सु ही है जो टारगेट के सेंसेस को टारगेट करता है, जिससे टारगेट वो एक्सपीरियंस करने लगता है जो रियल नहीं है। इजनागी से रियलिटी पर भी इल्यूजन अप्लाई हो सकता है, जिससे क्या रियल है और क्या नहीं ये भी कंट्रोल हो सकता है। मादारा सोचता है, मुझे ये खुद को बचाने के लिए करना ही पड़ेगा, ऐसे में मैं खुद को इंजर्ड होने से भी बचा सकता हूँ। तभी मादारा को एक फ्लैशबैक आने लगता है, तब का जब वो अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता था। मादारा एक फ्लैशबैक याद करने लगता है जब वो अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता था। ताजिमा मादारा से पूछता है, मादारा तुम स्ट्रॉन्ग हो, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इस शिनोबी वर्ल्ड में तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निंजास मौजूद हैं।
जिनसे तुम अब तक नहीं मिले हो, पर अगर कभी तुम ऐसे एनिमी का सामना करते हो तब तुम क्या करोगे, उसे कैसे हैंडल करोगे तुम? मादारा अपने एबिलिटीज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था और कहता है, मुझे नहीं लगता मैं किसी से भी हार सकता हूँ। मैंने अब तक मुझसे ज्यादा ताकतवर अपोनेंट को नहीं देखा है। मैं अकेले ही दर्जनों निंजास को हरा सकता हूँ। मुझे खुद पर बहुत भरोसा है और 1-on-1 फाइट में मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता, ये आप भी जानते हैं फादर। इस पर ताजिमा कहता है, मादारा मुझे तुम्हारे काबिलियत पर जरा भी शक नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर लगता है मुझे कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं ताजिमा अपना मांगे क्यों शारिंगन एक्टिवेट कर लेता है। मादारा ये देखकर समझ जाता है उसका फादर अब फाइट करने वाला है। मादारा थोड़ा पीछे हट जाता है और अपना नाइफ प्रिपेयर कर लेता है। मादारा देखता है उसका फादर सुजानो भी एक्टिवेट करने लगा था। ये देखकर मादारा कहता है, फादर ये पहली बार है जब आप मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए मांगे क्यों शारिंगन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है आप अपनी बात समझाने के लिए काफी सीरियस हैं। इस पर ताजिमा कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो, कभी कभी बैटलफील्ड में तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी जान ले लेता है। मादारा मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ, तुम्हें उचिहा क्लैन का लीडर बनना है, इसीलिए तुम्हें ताकतवर बनने के बाद रुकना नहीं है, तुम्हें ताकतवर बनते रहना होगा। ग्रेट लीडर बनने का ये एक प्रोसेस है जिसमें तुम्हें कभी नहीं रुकना है, और उचिहा क्लैन पावर के लिए ही जाना जाता है। इस पर मादारा कहता है, ठीक है फादर मैं समझ गया, मैं भी इस मौके का काफी समय से इंतजार कर रहा था, अब मैं इन आंखों को अच्छे से एनालाइज और समझ सकता हूँ कि ये क्या क्या कर सकती है। इतना कहकर मादारा अपने नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन सुजानो के डिफेंसेस को कुछ भी नहीं होता। मादारा ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। इस पर ताजिमा कहता है, मादारा ये तुमने गलत फैसला लिया, तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। तभी ताजिमा का सुजानो हैंड मादारा पर अटैक कर देता है, लेकिन मादारा पीछे हटकर बच जाता है। फिर ताजिमा उसे बताता है, मांगे क्यों शारिंगन के बहुत सारे एबिलिटीज हैं, ये उनमें से एक है, इसे सुजानो कहते हैं, ये शिनोबी हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट डिफेंसिव एबिलिटी है। अब मुझे बताओ तुम इसे काउंटर कैसे करोगे, क्या तुम मुझे प्रूव कर सकते हो कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम लीडर बनने के काबिल हो, और सबसे बड़ी बात क्या तुम अपने भाइयों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। हम देखते हैं मादारा बहुत सीरियस होकर सोचने लगता है कि वो सुजानो को पेनिट्रेट कैसे कर सकता है। तभी ताजिमा उस पर फिर अटैक कर देता है। ये अटैक काफी जोरदार था और वहां पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। हम देखते हैं मादारा बचने में कामयाब रहता है, उसका फादर उसे देख लेता है और फिर तुरंत उस पर अटैक कर देता है। मादारा इस बार जंप करके डॉज कर लेता है और फिर ढेर सारे फायर बॉल से अटैक करता है, पर ताजिमा के सुजानो को कुछ भी नहीं होता। इस पर ताजिमा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना मादारा, ये सबसे ग्रेटेस्ट डिफेंस है, ऐसे छोटे अटैक्स कुछ भी नहीं कर सकेंगे, तुम्हें और कोशिश करनी होगी और ताकत लगाना होगा। तभी मादारा कहता है, मैं ये समझ चुका हूँ फादर, मैं तो बस कुछ चेक कर रहा था, क्या हम ये ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। उसका फादर उसकी बात मान लेता है और फिर से मादारा पर अटैक कर देता है। मादारा जंप करते हुए डॉज कर लेता है और सुजानो के फेस पर किक मारता है, पर ये भी असर नहीं करता। इसके बाद मादारा सोचता है, इस पर कोई भी निंजुत्सु ताइजुत्सु काम नहीं कर रहा है, मैं अब तक इस पर एक क्रैक भी नहीं दे पाया हूँ, ये एबिलिटी तो सच में कमाल है, मुझे थोड़ा पीछे हटकर कुछ स्ट्रेटजी सोचना होगा इस माइटी सुजानो को हराने के लिए। तभी मादारा स्मोक स्क्रीन का यूज करता है और स्केप कर जाता है कुछ प्लान बनाने के लिए। ताजिमा ये देखकर समझ जाता है कि मादारा कुछ प्लान कर रहा है। ताजिमा मादारा से कहता है, मादारा तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं तुमसे कम उम्मीद नहीं करता हूँ, मुझे निराश मत करना। तभी हम देखते हैं मादारा एक प्रोजेक्टाइल का यूज करता है जो यूजर के शारिंगन से एब्स्ट्रैक्ट हुए मिनरल से बना था। ताजिमा बहुत जल्दी से ट्रिक को समझ जाता है और काउंटर कर देता है। ये देखकर मादारा सोचता है, मेरा कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रहा है, मुझे उनके ही पावर को उनके खिलाफ यूज करना पड़ेगा। फिर मादारा अपने अर्सनाल को चेक करने लगता है और देखता है कि उसके पास अब ज्यादा एक्सप्लोसिव टैग्स नहीं बचे हुए हैं। मादारा सोचता है, मेरे पास अब भी एक ट्रिक है, मुझे ये बहुत संभल कर करना होगा ताकि ये काम सक्सेसफुल रहे। मादारा सोचने लगता है कि वो कैसे कैसे करते हुए अपने प्लान को
सक्सेसफुल बना सकता है। तभी मादारा एक बड़े से वुड ब्लॉक को लेता है और अपने रोप से थोड़ा कवर कर देता है और उनमें एक्सप्लोजिव टैक्स लगा देता है। इसके बाद वो फायरबॉल से अटैक करने लगता है अपने फादर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ये देखकर ताजिमा कहता है, बस अब बहुत हुआ मादारा, तुम्हें असली लड़ाई में इतना वक्त नहीं मिलेगा। स्मोक स्क्रीन की वजह से ताजिमा अपने सुजानो आर्म को फायर एक्सप्लोजन के साउंड के डायरेक्शन की तरफ स्विंग करता है और तभी मादारा उस बड़े से वुड ब्लॉक को रिलीज करता है। ताजिमा तुरंत ब्लॉक को रोक लेता है ये कहते हुए कि ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी था, लेकिन ये और बेहतर हो सकता था, पर फिर भी तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी थी मादारा। और फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। हम देखते हैं मादारा और इशिकी का फाइट अब भी खत्म नहीं हुआ था। इशिकी अपने अटैक को पावर अप किए जा रहा था जिससे पूरा डायमेंशन सिकुड़ने लगा था, क्योंकि उसके अटैक से स्पेस टाइम में भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। ये मादारा समझ चुका था और सोचता है, मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा, ये इस पूरे डायमेंशन को ही अपने अटैक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वहीं इशिकी ये सोचता है, मैंने आज तक बहुत से वॉरियर्स को हराया है, मैंने बहुत सी लड़ाइयों को जीता है, मुझे हार का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन आज मुझे हार जाने का डर लग रहा है। क्या ये सच में ऐसा होता है? मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जीतने के लिए इतना डेस्परेट हो जाऊंगा। मैंने इस शिनोबी वर्ल्ड को बिल्कुल शुरुआत से देखा है, मैंने आज तक कभी भी ऐसे ताकतवर शिनोबी को नहीं देखा। मुझे लगा था हागरोमो, जिसने इस शिनोबी वर्ल्ड को एस्टेब्लिश किया था, वो मुझे थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने जो सोचा था ये उससे भी बहुत ज्यादा अलग है। मैं ये मानना तो नहीं चाहता हूँ कि मैं हार सकता हूँ, लेकिन मुझे अब ये पॉसिबिलिटी लेकर चलनी होगी कि मैं मादारा से हार सकता हूँ। मुझे कुछ भी करके खुद को जिंदा रखना है। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब लगता है मुझे मादारा को अपने कारमा से मार करना ही पड़ेगा। बस अब यही एक रास्ता बचा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं हागोरोमो मादारा के सामने अपीयर होता है और कहता है, मादारा तुम क्या सोच रहे हो? फिर मादारा बताता है, मुझे अपने फादर का एक लेसन याद आ रहा था, उन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए पूछा था कि अगर तुम्हारे सामने तुमसे भी ज्यादा ताकतवर अपोनेंट आएंगे तब तुम क्या करोगे। मैंने उस वक्त वही किया जो मुझे सही लगा था, लेकिन अब उसके बारे में सोचते हुए मैं काफी क्लियर हो गया हूँ। मेरे फादर मेरे हिम्मत का टेस्ट ले रहे थे। अक्सर ताकतवर दुश्मन से बचने का रास्ता अपनी जान बचाकर भाग जाने का ही होता है, लेकिन एक लीडर के लिए ये रास्ता नहीं होता। लीडर बनने के लिए हमें खुद पर भरोसा करना होता है और वही हमारी हिम्मत बनती है। बिना हिम्मत के कोई भी लीडर नहीं बन सकता। अगर एक कमजोर भी खुद पर भरोसा करना सीख जाए तो वो भी एक लीडर बन सकता है, और एक लीडर की जिम्मेदारी खुद से भी ज्यादा होती है। इसीलिए मेरे फादर मुझे हिम्मत करना सिखा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कभी ना कभी मैं एक ताकतवर दुश्मन से एनकाउंटर जरूर करूंगा और तब मेरी ये हिम्मत मेरा काम आएगी। इसीलिए ये समझने के बाद मैं अपने फादर के लेसन को वेस्ट नहीं जाने दूंगा और पूरे ताकत के साथ इस फाइट को अब यहीं पर खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं इशिकी अपने डेथ बॉल को अब भी चार्ज अप कर रहा था और ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है। मादारा अपने इंद्रा सुजानो के साथ ऊपर जाने लगता है ताकि वो बॉल के टॉप तक पहुंच सके। मादारा थोड़ी जल्दी में था क्योंकि वो जानता था अब ज्यादा समय नहीं है। मादारा सोचता है, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, हम उसके पावर को उसके ही खिलाफ यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं मादारा बॉल के टॉप पर पहुंच जाता है। फिर मादारा कहता है, तो सुसुकी अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चाकरा का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे किया जाता है। फिर हम देखते हैं मादारा अपने सुजानो हैंड्स को एक्सपैंड करने लगता है। ये देखकर इशिकी कहता है, हाँ बिल्कुल उचिहा, तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो, लेकिन अंत में हारना तुम्हें ही है। मैं तुम पर जरा भी दया नहीं दिखाने वाला हूँ। तुम अपनी जान की भीख मांगोगे और सारे इंसान ऐसे ही करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत अलग हूँ। हम देखते हैं मादारा उसे इग्नोर करते हुए अपने चाकरा को कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और एक अटैक प्रिपेयर करता है। तभी मादारा कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक इंसान क्या कर सकता है। तुम कोई गॉड नहीं हो, मैं तुम्हारी आंखों में डर देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने डेस्परेट हो मुझे हराने के लिए, लेकिन अफसोस तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अपने इस अटैक से मैं तुम्हें एक ही हिट में खत्म कर दूंगा।
तभी हम देखते हैं मादारा के सुजानो के तीनों आर्म्स एक साथ ट्विस्ट होकर फ्यूज होने लगते हैं, जिससे एक बड़ा सा गन बाई बन जाता है जो पूरे चाकरा से बना था। इशिकी और मादारा एक दूसरे से फाइनल क्लैश करने वाले थे। मैं इसमें अपना सारा चाकरा ऐड कर दूंगा, अपने एथरियल पुल का भी, ताकि मैं इस डेथ पॉल को चाकरा से और कंप्रेस कर दूं, इसे और घातक बनाने के लिए। दूसरी तरफ मादारा भी ये सोचता है कि वो अपने गनबाई में और चाकरा ऐड करेगा और ये काम जरूर आएगा। जिसके बाद मादारा अपने गनबाई से डेथ बॉल को हिट करने के लिए बढ़ता है। मादारा बहुत तेजी से डेथ बॉल की तरफ बढ़ रहा था और हिट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं डेथ बॉल के सामने मादारा का सुजानो भी बहुत छोटा लग रहा था। दोनों के अटैक क्लैश करने लगते हैं। मादारा पूरी ताकत लगा रहा था और इशिकी भी फुल पावर्स अनलीश कर रहा था। हम देखते हैं इशिकी के आंखों और मुंह से खून निकलने लगता है। इशिकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे लग रहा था कि मादारा हार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। हम देखते हैं मादारा इशिकी के डेथ बॉल को स्लाइस करते हुए नीचे आ रहा था। उसके डेथ बॉल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। इशिकी ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये हमेशा से इतना ताकतवर था? पर कैसे? मैंने इसे वॉर के समय देखा था, ये तब उतना ताकतवर नहीं था। फिर मादारा इशिकी से कहता है, क्या हुआ उसुसुकी? तुम्हें लगा था मैं हार जाऊंगा? तुम्हें बहुत घमंड था ना, इसीलिए तुमने मुझे हराने के लिए ऐसे अटैक का यूज किया, जिसके बाद तुम मेरे लिए एक इजी टारगेट बन गए थे। तुम जमीन के साथ फ्यूज हो चुके हो, इसीलिए तुम और मूव नहीं कर सकते, जिससे तुम्हारे काउंटर अटैक का मुझे जरा भी चिंता नहीं करनी पड़ी। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा आसान था। सब कुछ क्लियर होने के बाद हम देखते हैं वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और फिर हम देखते हैं इशिकी के बॉडी के दो टुकड़े हो गए थे। इशिकी में थोड़ी सी जान बची हुई थी। तभी मादारा उसके पीछे आता है और कहता है, तो सुसुकी, क्या तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त हो रही है? मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे ताकतवर ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो हार सकता है। मैं ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूँ। इस पर इशिकी उसुसुकी कहता है, इतना खुश मत हो, मैंने कहा था ना, अगर मैं मर गया तो अर्थ के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। खैर, मुसीबत तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी, सेवंथ होकागे नारुतो के गायब होने के बाद से ही, लेकिन अब इस मुसीबत का सामना तुम लोग मिलकर भी नहीं कर पाओगे। इस पर मादारा कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर तुम्हारे क्लैन का मकसद क्या है? पर इशिकी उसे कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी जान जा चुकी थी। फिर मादारा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर इसके कहने का मतलब क्या था? क्या और भी उसुसुकी अर्थ की तरफ आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो मुझे सभी सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। तभी हागोरोमो मादारा के सामने अपीयर होता है और कहता है, मादारा, तुम्हें चुनना कोई गलत डिसीजन नहीं था। इस बात पर अब मुझे और ज्यादा भरोसा हो गया है। तुम्हें अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बस एक शुरुआत है, तुम्हें अभी बहुत से काम पूरे करने हैं। फिर मादारा कहता है, हाँ, मैं अब सब समझ रहा हूँ, ये तो बस एक छोटी सी मुसीबत थी। शिनोबी वर्ल्ड बस एक खतरे से बचा है, लेकिन अब भी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इतामी को, जो सास्के और साकुरा की छोटी बेटी है। वो सुनाडे से बात कर रही थी। सुनाडे उससे कहती है, इतामी, तुम्हें अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करना सीखना होगा। बिना टीम वर्क के तुम्हारा हर मिशन धीरे धीरे फेल होने लगेगा। तुम्हारे फादर की बात अलग है, वो अकेले ही काम करना जानता है, लेकिन पहले वो भी टीम के साथ काम करता था। अगर तुम्हें उसके जैसा करना है तो पहले टीम के साथ काम करना सीखना होगा, खुद को प्रूव करना होगा, तभी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। इस पर इतामी कहती है, ये बात ऐसी नहीं है कि मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, पर वो हमेशा मेरे लिए और मुश्किल खड़ी कर देते हैं। वो खुद को संभाल भी नहीं पाते हैं, जिससे मैं और परेशान हो जाती हूँ। फिर सुनाडे उसे समझाती है, देखो इतामी, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि एक टीम में कमजोर और स्ट्रॉन्ग हर तरह के मेंबर होते हैं। तुम्हें मिशन के साथ साथ खुद से कमजोर को भी थोड़ा मैनेज करना होगा। यही टीम स्किल्स है, और यही टीम स्किल तुम्हें जिंदा भी रखेगा और तुम्हारे हर मिशन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत काम आएगा। इस पर इतामी कहती है, शायद मुझे आपकी बातों को समझने में थोड़ा और समय लगेगा। फिर सुनाडे पूछती है, तो इस बार तुम्हें मिशन में क्या लीड मिला? फिर इतामी बताती है, हमें एक इन्फॉर्मेशन तो मिली है लॉर्ड सेवन के डिसअपीयरेंस के बारे में, जिसे वेरीफाई करने की जिम्मेदारी फादर ने ली है, जिसके लिए वो मॉम के पास गए हैं। फिर सुनाडे पूछती है, तो फिर क्या तुम थोड़ी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो? काफी समय भी हो गया है हमें साथ में ट्रेनिंग किए हुए। तभी इतामी थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है, नहीं नहीं अभी नहीं, मेरा मूड अभी बहुत खराब है,
क्या हम बाद में ट्रेनिंग कर सकते हैं जब मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाए? तब सुनाडे उसकी बात मान लेती है और कहती है, बस मैं तुम्हारे इसी एटीट्यूड के बारे में कह रही थी, तुम ये सुधार लो फिर तुम एक अच्छी शिनोबी शायद बन जाओगी। खैर तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, हम बाद में ट्रेनिंग कर लेंगे, मुझे बहुत सारे पेपर वर्क्स पूरे करने हैं। काकाशी अब ये काम नहीं कर पाएगा। फिर इतामी उससे पूछती है, लॉर्ड सिक्स की तबीयत अभी कैसी है? सुनाडे उसे बताती है, वो अभी थोड़ा ठीक है और जल्द ही वो थोड़ा और ठीक हो जाएगा, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। फिर हम देखते हैं इतामी सुनाडे से बात करने के बाद वापस घर की तरफ जाने लगती है। उसे देखकर लग रहा था उसका मूड बहुत खराब है। वो सोचती है, पता नहीं क्यों लेकिन कोई भी मुझे नहीं समझता है, मैं तो बस इस विलेज के भले के लिए ही सब करती हूँ। माना कि मैं कभी कभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती हूँ लेकिन मेरे इंटेंशंस गलत नहीं है। क्या ये लेडी सुनाडे को भी समझ नहीं आता? वो भी मुझे ही ब्लेम करती है। तभी उसके सामने हीमावारी आती है और कहती है, हे इतामी कैसी हो तुम? तुम मिशन से वापस कब आई? और तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतामी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। फिर हीमावारी कहती है, तुम तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई हो। इस पर इतामी कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं बता नहीं सकती मेरा मूड कितना खराब था लेकिन तुम्हें देखकर ही मेरा मूड ठीक हो गया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया हीमा। फिर हीमावारी कहती है, ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, तो क्यों ना हम कुछ खाते हुए बात करें, आई एम श्योर तुम्हारे पास काफी बातें होंगी। फिर वो दोनों थोड़ा खाते हुए बात करती है। वहाँ इतामी कहती है, हीमावारी ये मिशन भी उतना कुछ खास नहीं रहा, अब जो भी मिशन हमें मिल रहे हैं उन पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिना किसी ठोस सबूत के हम किसी के बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। इस बार हमें पता चला है कि होकागे मोमोशिकी ओसुसुकी के किसी डायमेंशन में फंसे हुए हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है उसका पता लगाने फादर गए हुए हैं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ हीमा, मैं तुम्हारे फादर हमारे होकागे को जरूर बचाऊंगी। इस पर हीमावारी स्माइल करते हुए कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है इतामी, हम डैड को जरूर बचाएंगे, इसमें तुम अकेले नहीं हो। तभी वहाँ चोचो आती है और कहती है, हे हीमावारी क्या तुम आज अपने बेस्ट फ्रेंड इतामी के साथ ट्रेनिंग करने वाली हो? और तुम लोग ये क्या खा रही हो? पिज्जा लाओ मुझे भी दो। चोचो पिज्जा ले लेती है। तभी हीमावारी इतामी से कहती है, इतामी अब मुझे जाना होगा, मेरे ट्रेनिंग करने का समय हो गया है, तुम जाकर थोड़ा आराम करो, हम बाद में मिलते हैं और फिर अच्छे से बात करते हैं। इस पर इतामी कहती है, हाँ जरूर हीमा, जाओ और अच्छे से ट्रेनिंग करना। इतामी उन्हें बाय करती है। हम देखते हैं हीमावारी चोचो के साथ जाने लगती है। चोचो हीमावारी से कहती है, हीमावारी तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन मैं तुम्हें यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि तुम उसके इन्फ्लुएंस में मत आना, उसका शिनोबी रिकॉर्ड जरा भी अच्छा नहीं है। मेरा गलत मतलब मत समझना, मैं उचिहा फैमिली की काफी रिस्पेक्ट करती हूँ पर मुझे इस बात का बहुत शक है कि वो एक शिनोबी होने के ट्रू एसेंस को नहीं समझती है। इस पर हीमावारी कहती है, आप उसे गलत समझ रहे हो, वो भले ही थोड़ी जिद्दी है लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, अगर आपको लग रहा है वो कुछ ऐसा कर देगी जिससे विलेज के लिए खतरा हो सकता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप भरोसा कर सकती हैं। फिर चोचो कहती है, ठीक है हीमावारी मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, क्या अब हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करें? हीमावारी कहती है, हाँ बिल्कुल। सास्के खुद को मिरर में देख रहा था और अपने लेफ्ट आई पर फोकस कर रहा था। फिर उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब उसने कुछ अजीब सेंस किया था और वो वही दिन था जब मादारा अवेक हुआ था और उस फैसिलिटी से एस्केप कर गया था। सास्के सोचता है, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मुझे जहाँ तक याद है वो चाकरा जो मैंने उस दिन सेंस किया था वो मादारा का ही लग रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं उसमें बहुत कुछ अलग था। वो पहले की तरह ईवल सेंस नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, पर जो भी हो मुझे तैयार रहना होगा। पहले तो ये केओस इतना बढ़ता जा रहा है और अब मादारा, पता नहीं वो क्या चाहता है, और सबसे बड़ी बात वो अब तक जिंदा कैसे है, मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ पता करना होगा। तभी साकुरा उसके पास आती है और कहती है, सास्के अब तुम्हें कैसा लग रहा है? सास्के उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू साकुरा, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है। फिर साकुरा बताती है, तुम्हारे जख्मों को हील करने से मैं कभी पीछे नहीं हटने वाली हूँ और ना तुम्हारा साथ देने से, तुम ये अच्छे से जानते हो। फिर सास्के काकाशी सेंसेई के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्या उनके हेल्थ में कोई सुधार आ रहा है।
साकुरा उसे बताती है काकाशी सेंसेई की हालत बहुत खराब हो चुकी है, होकागे के पोजीशन को उन्होंने मजबूरन छोड़ना पड़ा, वरना अब तक सब कुछ वही संभाल रहे थे और अब आगे भी करते, लेकिन उनका हेल्थ अब उनका साथ नहीं दे रहा है। फिर हमें काकाशी को दिखाया जाता है जिसका हेल्थ सच में काफी खराब हो चुका था और उसे ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होने लगी थी। सास्के काकाशी के बारे में सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या सच में उनकी हालत जरा भी ठीक नहीं हो सकती। फिर साकुरा बताती है पता नहीं, मैं कुछ श्योर नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। फिर सास्के सवाल करता है तो अब होकागे कौन बनेगा। साकुरा बताती है कोनोहा काउंसिल इसके बारे में जल्द ही फैसला करने वाले हैं, वो कई बार मीटिंग कर चुके हैं, तब तक के लिए लेडी सुनाडे अनऑफिशियली सारे काम संभाल रही है। सास्के टीम 7 में सिर्फ तुम और हम ही बचे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, पहले नारुतो फिर काकाशी सेंसे। साकुरा बहुत घबराते हुए कहती है सास्के मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, मैं जानती हूँ नारुतो और काकाशी सेंसे की जगह तुम सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो अलायंस का भरोसा पूरी तरह से टूट जाएगा, अब सभी की उम्मीद तुमसे जुड़ी हुई है, इसीलिए प्लीज मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। तभी सास्के कहता है साकुरा तुम चिंता मत करो, ये बात मुझे अच्छे से पता है कि मैं अब एक आखिरी उम्मीद बना हुआ हूँ, इसीलिए मैं काफी संभल कर सब काम कर रहा हूँ। फिर साकुरा कहती है ये अच्छी बात है कि तुम ये समझ रहे हो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब एक प्रोस्थेटिक आर्म लगा लेना चाहिए, नारुतो के साथ फाइट करते हुए तुमने अपना आर्म गवा दिया था, नारुतो ने वो आर्म लगाया था क्योंकि वो जानता था उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी है और उसे हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना होगा, अब बारी तुम्हारी है कि तुम भी यही समझो और अपने दुश्मनों को एडवांटेजेस देना बंद करो। ऐसे सिचुएशन में जहां तुम्हारी जिंदगी की कीमत बहुत बढ़ चुकी है और तुम तब भी एक आर्म से ही काम करना चाहोगे तो ये बहुत फेटल हो सकता है। साकुरा फिर रोते हुए कहने लगती है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, पता नहीं तुम इस पछतावे से क्या हासिल करना चाहते हो, पर मुझे लगता है अब तुमने जितना अटोनमेंट करना था कर लिया है, अगर तुम सच में नारुतो को बचाना चाहते हो तो अब वक्त आ गया है तुम्हें एक बैटल आर्म लगा लेना चाहिए। तभी सास्के साकुरा को हग कर लेता है और उसे समझाता है बस करो साकुरा, मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो प्लीज, तुम्हें अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना होगा, ऐसे टाइम में तुम्हारे कूल हेडेड होने की बहुत जरूरत है, तुम मेडिकल टीम की हेड हो और मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, मैं वो आर्म लगाने के लिए तैयार हूँ, अब तुम शांत हो जाओ, लेकिन इससे पहले इतामी अब तुम अंदर आ सकती हो। तभी वहाँ इतामी अंदर आ जाती है जो गेट के बाहर वेट कर रही थी अपने पेरेंट्स के रोमांस का खत्म होने का। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अब तक सच में काफी कुछ बदल चुका है, सास्के अब साकुरा के साथ अपना लव काफी एक्सप्रेस करता है, मतलब सभी कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी में काफी चेंजेस आ चुके हैं। इतामी कहती है हे मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको भूख लगी है क्या, मैं खाना लाई हूँ, प्लीज क्या हम मिलकर खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम श्योर आपको भी लगी होगी। इतामी फिर सास्के से कहती है डैड आपको देखकर कोई बहुत खुश होगा। सास्के पूछता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। फिर इतामी कहती है डैड सभी नेक्स्ट होकागे के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कौन होगा और शायद बहुत ही जल्द इसके बारे में फैसला लिया जाने वाला है, और मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो बहुत यंग है लेकिन होकागे के लिए एक वर्दी कैंडिडेट है और वो मेरी बड़ी बहन सारादा है। डैड आप भी बहुत बिजी रहते हैं और सिस्टर भी काफी मिशंस पर जाती रहती है, इसीलिए आप दोनों को मौका नहीं मिलता एक दूसरे से मिलने का, ये मुझे पता है, लेकिन आज आप उससे मिल सकते हैं, वो आज विलेज में ही है, तो आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, आपको लेट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ इशिकी के डायमेंशन में हम देखते हैं कि मादारा इशिकी के बॉडी पर एक पंच करता है जिससे इशिकी का बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर मादारा इशिकी के डोजुत्सु आई को उठा लेता है और कहता है अब ये तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला उसुसुकी, लेकिन मैं इसका कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मादारा ने उसके आई को इसीलिए लिया था ताकि वो अपने गनबाई को वापस ले सके जो इशिकी ने फाइट करते हुए श्रिंक कर दिया था। मादारा फिर कहता है मुझे थोड़ा अफसोस है कि मैं इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकाल पाया और मैंने इससे ज्यादा सवाल भी नहीं किया, सच कहूं तो मैं बस इसे खत्म करने में ज्यादा फोकस कर रहा था, इसीलिए मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं इससे ओसुसुकी क्लैन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ या फिर ये कि मैं अपने गनबाई को वापस कैसे ला सकता हूँ।
ये डायमेंशन अब कोलैप्स कर रहा है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे लग रहा है इसके आई से मेरी मदद हो सकती है। तभी मादारा का आर्म ब्लैक रॉड से पियर्स हो जाता है, जो ऑटोनोमस सुकुना ही कोना था। मादारा तुरंत इशिकी के आई को मसल देता है और समझ जाता है अब ये उसका कोई काम नहीं आएगा, उसे कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। मादारा अपने हाथ जोड़ लेता है और सोचता है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरे पास ज्यादा चाकरा भी नहीं बचा है। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे कोशिश करके देखना होगा। मादारा फिर डायमेंशन से थोड़ा चाकरा गैदर करने लगता है और सोचता है कि ये तरीका सक्सेसफुल रहे। तभी मादारा पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं कि वो पोर्टल थोड़ी देर में ही बंद हो जाता है और वो साइज में भी काफी छोटा था। मादारा समझ जाता है कि इतना चाकरा काफी नहीं था बड़ा पोर्टल बनाने के लिए और तो और पोर्टल को खुला रखने के लिए। उसके पास ज्यादा चाकरा नहीं है और शायद जितना देर उसे रिकवर करने में लगे उतने देर में ये डायमेंशन नथिंगनेस में ट्रांसफॉर्म हो जाए और फिर इससे निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं शीरो मादारा के पोर्टल को उतनी देर में सेंस कर चुका था। वो समझ जाता है कि वो वही लोकेशन था जहां उसने इशिकी के पोर्टल को सेंस किया था, तो जरूर ये मादारा का ही होगा। पोर्टल कुछ ही सेकंड में बंद हो गया था, इसका मतलब मादारा के पास ज्यादा चाकरा नहीं है, तो मुझे उसकी मदद करनी होगी। शीरो तुरंत मादारा की हेल्प करने के लिए पोर्टल बनाने लगता है। मादारा अपने सामने एक पोर्टल को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर शीरो पोर्टल को बड़ा करने लगता है और चिल्लाकर मादारा से कहता है जल्दी करो मादारा, मैं ये पोर्टल ज्यादा देर तक ओपन नहीं रख पाऊंगा, तुम्हें जल्दी से इसे पार करना होगा। मादारा समझ जाता है कि ये शीरो है और तुरंत पोर्टल की तरफ जाता है। मादारा काफी स्पीड में पोर्टल के पार चला जाता है, जिसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है। डायमेंशन के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। पोर्टल के बंद होने के बाद शीरो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मादारा वापस आया, क्योंकि वो उसे नहीं देख पाया था। शीरो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था क्योंकि उसने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया था। तभी मादारा उससे कहता है बहुत बढ़िया शीरो, मुझे लगा था मुझे खुद से वहां से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन मेरी मदद करके तुमने ये साबित कर दिया कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं सास्के सारादा से मिलने के लिए जाता है। सास्के काफी बिजी होने की वजह से सारादा के ग्रोथ को ज्यादा नहीं देख पाया था और सेवंथ होकागे के डिसअपीयरेंस के बाद सारादा विलेज को सर्व करने के काम में ज्यादा शामिल होने लगी। सास्के ये समझता था कि सारादा नारुतो को उससे भी ज्यादा मानती थी। सास्के और सारादा अब ज्यादा नहीं मिल पाते थे, लेकिन इस बार सास्के सारादा के मिशन में जाने से पहले कोनोहा वापस आ गया था, इसीलिए उसे मौका मिला उससे मिलने का। सास्के एक ऊंची जगह पर जाता है सारादा से मिलने के लिए। सारादा के साथ उसका मिशन पार्टनर भी था। हम देखते हैं सारादा अब काफी बड़ी हो चुकी थी और उसके पास मांगे के शारिंगन भी था। सास्के सारादा को देखकर अंदर से बहुत खुश था, पर वो बाहर से अपनी खुशी जाहिर नहीं करता और सारादा से पूछता है कैसी हो सारादा, बहुत दिनों बाद हम मिल पा रहे हैं। सारादा का पार्टनर आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद सारादा जवाब देती है हाँ डैड मैं ठीक हूँ, और अब जैसे हालात है मैंने सोचा नहीं था आपसे कभी नॉर्मल सिचुएशन में मुलाकात हो पाएगी। इस पर सास्के कहता है हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकती हो। फिर सारादा पूछती है तो डैड आप होकागे क्यों नहीं बन जाते हैं, आपको इस केओस को थोड़ा पॉलिटिकली भी शांत करना होगा। फिर सास्के कहता है नहीं मैं होकागे नहीं बन सकता, वो जगह मेरे दोस्त की है जो मैं कभी नहीं ले सकता, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। फिर सारादा कहती है हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप होकागे बन जाइए। उस जगह पर सेवंथ के ना होने की वजह से कोनोहा को काफी टारगेट किया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि हमने सेवंथ को ढूंढना छोड़ दिया है, हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। आप सेवंथ के राइवल थे, इसीलिए आपके उस जगह पर होने से सभी समझ जाएंगे कि कोनोहा अब भी पावर के मामले में कम नहीं हुआ है। कोनोहा काउंसिल मुझे होकागे बनाने के बारे में सोच रहे हैं, मेरे मिशन रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस को देखते हुए और कोई वर्दी कैंडिडेट बचा भी नहीं है। इस पर सास्के कहता है हाँ मुझे पता चला कि तुम्हें होकागे बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, मैं तो कहूंगा तुम नारुतो की जगह ले सकती हो क्योंकि तुम उसे अपना आइडल भी मानती हो, और तो और तुम मुझसे भी अच्छी होकागे बन सकती हो, इस बात का मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। और चिंता मत करो सारादा, मुझे पिछले मिशन में एक लोकेशन का इन्फॉर्मेशन मिला था जो इनक्रिप्टेड था, मैंने डिसाइफर टीम को वो इन्फॉर्मेशन दी है, जल्द ही वो उसे डीकोड कर लेंगे। तभी सारादा कहती है शायद उन्होंने कर दिया है, वो डीकोडेड लोकेशन हमें दिया गया है जाकर चेक करने के लिए, जिसके बाद हमारे रिपोर्ट्स के हिसाब से आगे की प्रिपरेशंस होंगी अगर ये इन्फॉर्मेशन सही रही तो। फिर सास्के पूछता है क्या, पर ये इन्फॉर्मेशन पहले मुझे देनी चाहिए थी, पर खैर
वो लोकेशन है कहाँ? सारदा बताती है ये लोकेशन रेन विलेज के बॉर्डर्स का है। इन सालों में रेन विलेज में विजिलेंटीज काफी बढ़ चुके हैं, इसीलिए पहले मुझे और मेरे पार्टनर को ही भेजा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मैं इस मिशन पर ज्यादा उम्मीद तो नहीं रख रही हूँ, क्योंकि अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो सब बेकार थे। मुझे लगता है हमें कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, सास्के सोचता है। जब वो मिशन पर गया था तब एक निंजा ने उसे बताया था कि नारुतो ओसुसुकी के किसी डायमेंशन में है, तो फिर ये लोकेशन रेन विलेज का कैसे हो सकता है? क्या ये फिर से कोई मिसगाइडेंस हो सकता है? फिर वो सारदा से कहता है जो भी हो हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, तुम मिशन पर जाओ, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना और अपना ख्याल रखना। सारदा सास्के की बात मान लेती है और कहती है ये मिशन हमें खुद लेडी सुनाडे ने दिया है, आपको उनसे बात करनी चाहिए, और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सास्के सोचता है रेन विलेज, हाँ वो कभी पेन की वजह से जाना जाता था। मुझे याद है जब नारुतो ने पेन को हराया था मैं तब यहाँ नहीं था, पर रेन विलेज में ऐसा कोई लोकेशन कैसे हो सकता है? जो भी हो सारदा ये संभाल सकती है, मुझे उस पर भरोसा है। दूसरी तरफ इशिकी से फाइट करने के बाद मादारा काफी थक चुका था और शीरो से पूछता है शीरो क्या तुम्हें इस खतरे के बारे में पता था? क्या तुम ओसुसुकी क्लैन के बारे में जानते हो? शीरो बताता है मैं ओसुसुकी क्लैन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, और अगर तुम इशिकी के खतरे के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे इसके बारे में कोई भनक भी नहीं थी, ये सब तो बहुत अचानक हुआ और हमारी किस्मत अच्छी थी कि तुम यहाँ मौजूद थे। इस पर मादारा कहता है मैं मौजूद था क्योंकि मैं उस रिसर्च फैसिलिटी में था जहाँ के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, मुझे उसके बारे में पता करना होगा। वैसी जगह को एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है वॉर के पीछे उनका ही हाथ है। मैंने वहाँ से निकलने से पहले कुछ फाइल्स को चेक किया था जिसमें वो कुछ शिनोबीज को जिंदा करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, शायद ऐसे वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो उन्हें लड़ाई में यूज कर सके। तभी शीरो बताता है तुम आधे सही हो मादारा, शिनोबी वर्ल्ड के पीस को केओस में बदलने के पीछे उस फैसिलिटी का बहुत बड़ा हाथ है, और वो हिस्ट्री के जाने माने शिनोबी को फिर से रिवाइव करने के प्रोजेक्ट को कर रहे हैं इसीलिए कि वो उन्हें लड़ाई में यूज कर सके और साथ ही उनके एबिलिटीज को रेप्लिकेट कर सके, उसका इस्तेमाल भी वो करना चाहते हैं। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये सब मुझे अब भी नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि वो फैसिलिटी काफी समय से छुपकर काम कर रहा था, लेकिन नारुतो उज़ुमाकी के डिसअपीयर होने के बाद वो खुलकर काम करने लगे हैं, शायद वो ऐसा मौका ही ढूंढ रहे थे। फिर मादारा कहता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी लीडर के काम नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई पावरफुल नेशन का हाथ होगा, हमें ये पता लगाना ही होगा। तभी शीरो बताता है कुछ समय पहले स्टोन विलेज और क्लाउड विलेज में काफी गंभीर जंग हुई थी, जिसका रीजन ये था कि दोनों नेशंस एक दूसरे के टेल बीस को हासिल करना चाहते थे। अब शायद उन्हें लग रहा है कि टेल बीस कैप्चर कर लेने से वो अपनी पावर बढ़ा सकते हैं और अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही दूसरों पर भी खौफ बना सकते हैं। फिर मादारा कहता है तो टेल बी सब भी मौजूद है, मुझे लगा था वो सब खत्म हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं भूल गया था कि वो चाकरा से बने होते हैं। खैर क्या तुम कोनोहा के बारे में कुछ जानते हो, कोनोहा की हालत कैसी है? फिर शीरो बताता है जब स्टोन विलेज और क्लाउड विलेज के बीच लड़ाई हुई थी तब उन्होंने कोनोहा को इससे दूर रहने कहा था कि अगर वो इसके बीच आते हैं तो उनके दुश्मन बन जाएंगे। नारुतो उज़ुमाकी के जाने के बाद शिकामारु काकाशी के साथ मिलकर सब कुछ संभाल रहा था, उन्होंने सोचा कि वो वॉर को होने से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर वॉर हुआ तो इससे अलायंस पर सभी नेशन का भरोसा उठ जाएगा जो पीस बनाए रखने में थोड़ा बहुत कामयाब था नारुतो के डिसअपीयर होने के बाद भी। वॉर को रोकने में सैंड विलेज उनका साथ देने के लिए मान गया और मिस्ट विलेज ने तब से खुद को आइसोलेट कर लिया। कोनोहा ने सैंड विलेज के साथ मिलकर वॉर को रोकने की कोशिश की जिससे लड़ाई और बढ़ गई, जिसमें स्टोन विलेज और क्लाउड विलेज के कागेज मारे गए, काकाशी शिकामारु और गारा काफी जख्मी हो गए, और तब से शिनोबी वर्ल्ड में सब कुछ बहुत ज्यादा बदल गया है। इन सब के बाद हाशिरामा के ग्रैंड डॉटर लेडी सुनाडे ने कोनोहा की बागडोर संभाली फिर से होकागे बनकर। ये सब सुनने के बाद मादारा कहता है सुनाडे सेंजू, हाँ मैं उसे जानता हूँ, उसने विल ऑफ फायर को इनहेरिट किया है, मुझे याद है, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो कोनोहा को कुछ भी नहीं होने देगी। लेकिन अब जब मैं इतना कुछ जान चुका हूँ और मुझे फिर से एक आखिरी मौका मिला है तो मैं उसकी मदद करना चाहूंगा, मुझे लगता है अब समय आ गया है टेल बीस को शिनोबी वर्ल्ड से चले जाने का। फिर शीरो पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है?
अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? इस पर मादारा कहता है, वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कोनोहा में सारादा से बात करने के बाद सासुके साकुरा के पास वापस जाता है और उससे कहता है, मैं आर्म इम्प्लांट करने के लिए तैयार हूँ। साकुरा सीरियस हो जाती है और कहती है, थैंक यू सासुके मेरी बात मानने के लिए, पर मुझे थोड़ा वक्त दो। मुझे लेडी सुनाडे के साथ इसके प्रिपरेशन में थोड़ा समय लगेगा, पर मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी। तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। दूसरी तरफ इतामी और हिमावारी होकागे रॉक फेस पर बैठी हुई थी और बात कर रही थी। इतामी हिमावारी से कहती है, हिमा मैं तुमसे वादा करती हूँ, हम लॉर्ड सेवंथ को वापस जरूर लाएंगे। और मैंने फैसला कर लिया है, मैं डैड और लेडी सुनाडे के साथ और ट्रेनिंग करूंगी ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग बन सकूं। मैं अब भी बहुत पीछे हूं। तभी हिमावारी कहती है, मैं तुम्हारे फीलिंग को समझ रही हूं इतामी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं डैड को फील कर सकती हूं। वो ठीक है, मैंने ये बस कुछ समय पहले ही एहसास किया था, और इस एहसास को और गहरा करने के लिए मैं मेडिटेट कर रही हूं ताकि मैं डैड की लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकूं। इतामी खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत बढ़िया है हिमा, फिर तो हम लॉर्ड सेवन को और जल्दी ढूंढ लेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ बोरुटो आ जाता है हिमावारी को ढूंढते हुए और कहता है, हिमावारी मैं जानता था तुम यहीं मिलोगी, अब घर चलो, मॉम तुम्हें बुला रही है। इतामी तुम भी हमारे साथ चलो, आज डिनर हमारे घर पर कर लेना। हिमावारी और इतामी बोरुटो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं।